डॉक्टर साहब मेरी कम कम हो गई थी आवाज, अब ठीक है, अब ठीक हुई थी, बीच में कम हो गई थी, अब अभी तो आ रही है जी। रमेश जी सर। हाँ जी सर, अब फिर सर आपको तो मेरी आवाज कट भी रही है डॉक्टर साहब, और थोड़ी हल्की है, बीच बीच में ठीक आ जा रही है फिर कट जा रही है। आज तो आ गई कह सकता हूँ कि जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी काम है डॉक्टर साहब। कम हो जा रही है डॉक्टर साहब, कुछ कुछ है सिस्टम में, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है आपकी तरफ। मेरे पास जी मुझे लगता है कि अगर ये समस्या कंटिन्यू रहेगी तो मैं इसका, अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और सर आप सुन पाएंगे मुझे, इतना चल रहा है? हाँ इतना ठीक है जी, इस वक्त तो बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। तो आज के इस तीसरे लेक्चर में, तीसरे भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, और जैसा कि विषय आप लोगों को स्पष्ट ही है और जिसके दो भाग आप पहले सुन चुके हैं, फिजिस्ट क्रिटिक ऑफ संस्कृत शास्त्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ पदार्थ एंड कार्यकारण कॉजलिटी, जिसे आप कहते हैं कार्यकारण भाव और पदार्थ की अवधारणा की हम चर्चा भौतिक शास्त्र की दृष्टि से कर रहे हैं। दो भागों में हमने वेद से लेकर के उपनिषद से होते हुए दर्शन को हमने स्पर्श किया था, और उसी वैशेषिक दर्शन पर आकर के हमने दूसरे भाग को रोक लिया था, और उसके बाद आज तीसरे भाग में आप लोग जिस चर्चा को सुनेंगे डॉक्टर साहब से, उसका जो मूल भाग केंद्र भाग रहेगा वो वेदांत और सांख्य का दर्शन रहेगा, उस दृष्टि से वो चर्चा हमारे साथ करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, तो एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, और जैसा कि मैंने शुरू में ये लिखा भी था आप लोगों के साथ कि हम शुरू के 10 मिनट जो हैं वो इन दो भागों में जो चर्चा हुई थी उसके ऊपर एक बार उसको रिवाइज कर लें, उसका विश्लेषण कर लें, और उसके विषय में जो कुछ हमें समझ में आया है और उसमें जो संदेह हुए या टिप्पणियां हैं उस सब के ऊपर अधिकतम 10 मिनट के अंदर अंदर जो है हम वो सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सम्मान में, विशेष रूप से डॉक्टर रमेश चंद वर्मा जी के सम्मान में, एक पंक्ति की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वो ये है कि इसी तरह का समय था, बहुत गर्मी की ऋतु थी, और बुद्ध जो है वो अपने भिक्षा पात्र लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में किसी किसान जो कि अपने खेत में काम कर रहा था उससे उन्होंने भिक्षा की याचना की, और किसान ने उनको देखा और इस दृष्टि से देखा कि तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो वो जो बुद्ध का उत्तर था वो मैं आप लोगों के सबसे साझा करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बड़ा प्रेरणा का एक
आधार रहा है, और वही इस सारे वेबिनार का आप समझ लीजिए कि वो सार है, वही इसकी अंतरधारा है। तो बुद्ध ने उस किसान को कहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह ही कृषि करता हूं, केवल अंतर इतना है कि मैं चेतना की धरती पर बुद्धि के हल से ज्ञान की कृषि करता हूं। मैं ये वाक्य दोबारा दोहराता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से मुझे लगता है हमें कोई भी शब्द खोना नहीं चाहिए, कि चेतना की धरती पर बुद्धि के हल से ज्ञान की कृषि करता हूं। तो इस दृष्टि से हम लोग जो काम कर रहे हैं ये किसी भी प्रकार से कृषि की संस्कृति से भिन्न नहीं है, और इसी तरह से हम क्रमशः हल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धि के हल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अपनी चेतना का विकास करें और इन सारे विषयों को जो ब्रह्मांड से लेकर परमाणु तक फैला हुआ है उसको हम अपनी समझ के अनुसार, अपनी शब्दावली के अनुसार हम समझने का प्रयास करें। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा, आपने पिछली बार इन सब चीजों को देखा था, समझा था, इसलिए उसे ज्यादा दोहराने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार इस सारे परमाणु से लेके ब्रह्मांड के बीच में जितने भी पदार्थ या प्रकृति जो भी है उसको तीन दृष्टियों से, तीन पक्षों से हमेशा समझने का प्रयास करता रहा हूं, और अभी भी जो हम लेक्चर सुनेंगे उसमें यही देखने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति में या पदार्थ में कि अवस्था परिणाम क्या आते हैं, धर्म परिणाम क्या आते हैं और लक्षण परिणाम क्या आते हैं। मैं इनकी व्याख्या में नहीं जा रहा, लेकिन इसी दृष्टि से मुझे क्वांटम फिजिक्स की भी समझ में कुछ बातें आती हैं, और फिर और जो फिजिक्स के पक्ष हैं उनकी भी बातें समझ में आती हैं। लेकिन जैसे कि हमें 10 मिनट इसी विषय को देने हैं कि हम आज जो इन पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा था, समझा था, तो उस सारे विषय की ओर अग्रसर होने से पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमेश चंद भारद्वाज जी का, और हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर रवि शर्मा जी, डॉक्टर लक्ष्मण पांडे जी और सभी जो साथी हैं। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रवि शर्मा जी को कि वो हमें ब्रीफ करें कि उन्होंने जो ये अपने एक ब्रीफ नोट जो हमारे साथ शेयर किया है वो वही हमारे साथ साझा कर दें तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा रहेगा, और उन्होंने जो कंपाइल किया है उसमें डॉक्टर रूपिका भनोट के ऑब्जर्वेशंस को, डॉक्टर राजेंद्रा मलिक को, डॉक्टर देवदत्त शर्मा को और डॉक्टर राहुल खट्टे जी को, इनकी ऑब्जर्वेशंस और प्लस उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को हमारे साथ साझा किया है। तो मैं चाहूंगा कि वो बड़ी ब्रीफली इसके ऊपर हमारे साथ बात करें, और उसके बाद किसी और की कोई टिप्पणी है तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और उसके बाद डॉक्टर साहब जो है अपना वक्तव्य आरंभ करेंगे इन्हीं सब टिप्पणियों का उत्तर देते हुए। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रवि शर्मा जी को। नमस्कार, आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? जी जी। अच्छा, मैं सबसे पहले डॉक्टर रमेश वर्मा जी को प्रणाम और आशुतोष जी को प्रणाम और सब साथियों को प्रणाम। आप लोगों ने अद्भुत कार्य किया है, दो लेक्चर्स हमने सुने हैं, उनको पूरा मनन करके उन पर और टिप्पणी करने का मौका मिलेगा, और क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है वो भी बताएंगे, और ये सब करेंगे। पर मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज अपने आप अपने हाथ में ले ली थी डॉक्टर साहब रमेश जी, वो ये थी कि इस न्यूटन के सिद्धांतों को हम आपके लेक्चर के और चार्वाक और कणाद के जो ईश्वर दर्शन में से एक दर्शन के वैशेषिक के संबंध में हम क्या सीख सकते हैं, कौन सा पुराना है कौन सा नया है, वास्तव में क्या पहले था। मुझे तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को समझाने के लिए क्या सामग्री जरूरी है और क्या हम उसको खुद समझ पा रहे हैं, ये दो प्रश्नों के लिए मैंने एक 10 मिनट के लिए आप सबका ध्यान डाइवर्ट किया मेन टॉपिक से, जो कि डॉक्टर साहब रमेश जी बाद में ले लेंगे। तो जल्दी से उसको पूरा करने के लिए एक तो ये है कि क्या ये जो हम श्लोक और मंत्र जो वैशेषिक से ले रहे हैं वो सब एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा ने मुझे ये भेजा था, फॉर एग्जांपल,
उसमें से अब अपन एक को ले लेते हैं, इसमें दो या तीन है पर अभी एक ही ले में। तो ये देखिए, इसमें मैं सोचता हूँ न्यूटन से ज्यादा बोल रहे हैं, ये न्यूटन से ज्यादा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कब गुरुत्वाकर्षण आकर्षण सफल होता है, तब होता है जबकि हाथ से संयोग विच्छेद हो जाए या डाली का जो वृक्ष के तने से संबंध है जब वो कमजोर पड़ जाए, किसी कारण से सूख जाए या कुछ और हो जाए, तो वो डाली नीचे गिरेगी। तो हम ऑलरेडी ये जब भी ये किया गया है, ये मेरा ख्याल है ये उन्होंने षट दर्शन किताब से लिया है, पर डेफिनेटली ये वैशेषिक से ही संबंधित है। संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम। तो हमने दो चीजें सीखी इसमें कि द इफेक्ट ऑफ वॉट एवर फोर्स इज बाइंडिंग समथिंग विल कंटिन्यू until it weakens, then gravity will take care of it. That is how I understand. आगे बढ़ाइए सर, आगे वाला पोर्शन आप ही ड्राइव करेंगे आशुतोष जी। जी जी, मैं अभी सीखा नहीं हूँ कि गूगल मीट में कैसे शेयर करते हैं। जी जी, ये अगले वाला है, इसमें से इससे आगे बताइए। नहीं, इससे आगे तो यही ये वाला दूसरा है। हाँ, ये मैं उनसे मिस्टर तीन लोगों ने किया है ना, अपने राजेंद्र प्रसाद जी ने भेजा जी। फिर एक सोनी की किताब है, सुभाष सोनी जी की किताब है, उसमें से मैंने कुछ निकाल के दिए हैं। तो ये देखिए, ये तो खैर वही है, ये तो वही है। जी जी, एक सेकंड, आगे वाला बताइए, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है। ओके, हाँ, ये इसमें जो है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर का पेज है, आपने इसको कट जी, कर जी, दिया। जी जी जी, नहीं नहीं, ये दे रहा हूँ। हाँ, ये वाला पेज इसमें से इसके पहले हम पहले ऊपर वाले पे जाएंगे, बाद में लास्ट वाला जो मिस्टर ये है खाटे ने कहा, राहुल खाटे ने, वो बाद में करेंगे। हाँ, ये है, इसके ऊपर जरा सा जाइए, ये कंपैरिजन है, इसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, वो देख लें। खैर, अगर वो नहीं देख सकते हैं तो इसमें अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आप ये बंद कर दीजिए, साइड में एक्स है उसको कर दीजिए तो ये बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट में एक्स है ना उसको बंद कर दीजिए, लेफ्ट में एक्स है ना, मेन्यू दिख रहा है लेफ्ट में, उसमें एक्स है उसको बंद कर दीजिए आप, एक्स को, यहाँ मैं नहीं, ये वाला आप कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये वाला पोर्शन आप कह रहे हैं लेफ्ट साइड में। हाँ, अब आप इसको चाहे जितना बड़ा कर सकते हो, लेकिन इसमें भी ये तीन, इसमें ये तीन है जी, ये है और ये है, इनको आप जरा गौर से देख लीजिए, और नीचे चलिए जो आप टेबल बता रहे थे आप जी। मेरा पर्पज इतना सा है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ, दोनों हिंदी संस्कृत और फिजिक्स जानने वाले, वो आपस में मिलके डेलिबरेट करें कि इनकी ट्रांसलेशन सही है क्या, इनकी ट्रांसलेशन सही है तो क्या ये वास्तव में ही वो रूल बता रहे हैं जो न्यूटन ने कहा। मेरे हिसाब से तो और ज्यादा बता रहे हैं कई जगह, और कई जगह शायद एग्जैक्टली ये भाषा नहीं लागू हो। ये एक्सरसाइज मैंने आपसे प्रेरणा लेके, रमेश जी, मैंने सोचा कि कैसे क्या करें इसको आगे, तो और आगे नीचे चलिए सर। तीसरा हमको सोर्स मिलता है राहुल थाटे जी ने, राहुल क्या नाम है, हाँ नीचे आ जाएगा वो, आप देखिए उनका नाम भी मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, राहुल खट्टे जी, घाटे जी, उन्होंने एक्चुअली वो वीडियो भेज के बहुत बड़ी डिसर्विस की, वीडियो में टाइम तो बहुत लग गया और सामग्री कुछ नहीं मिली तो मे बी द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ रेलेवेंट स्टफ, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो गया, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज उन्होंने भेजी, उनकी प्रशंसा इसके लिए करनी पड़ेगी। इसमें नीचे आ जाइए आप,
ये बुक आप इस बुक के ये पेजेस देख रहे हैं ना, ये पेजेस गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन से संबंधित हैं, इसलिए मैंने उनको आपको बता दिया। अब उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ, उन पेजेस में से कुछ दो तीन पेज मैं बता रहा हूँ। इनको जब भी आपको समय मिले आप लोग स्टडी कीजिएगा, और कभी फिर रमेश जी से और आपसे परमिशन लेके फिर इनको फिर से आधा घंटा कभी डिस्कस करेंगे। आज मेरा जॉब है to just introduce you to how we should go about it. तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे। इस तरह ये काफी इसमें जो बुक उन्होंने भेजी है उस बुक में है। और नीचे आ जाइए और हम करीब करीब एंड में आ गए होंगे, और आ जाइए जी। एक स्लाइड और नीचे आ जाइए, ये बस लास्ट ही लगभग आ गया। नहीं अभी तक तो नहीं आ रहा है लास्ट ही। ये देयर आर मोर पेजेस रिलेटेड टू ये वाला, और कहाँ है और आगे क्या है? हाँ ये तो बस यही लास्ट पेजेस हैं सर। अच्छा, ये लास्ट पेज है तो आप फिर जो पहला मैंने, हाँ ये देखिए, ये वो जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ये। तो ग्रेविटेशन अर्थ प्लैनेटरी सिस्टम पे और अलग विवेचन है, उसमें नहीं जा रहे। हमारा उद्देश्य है न्यूटन के तीन सिद्धांत। हम गाइडेंस लेंगे रमेश जी से और दूसरों से जो समझते हैं फिजिक्स और संस्कृत, और इसको एक छोटे से पेपर की तरह हम सबको मिलके प्रोड्यूस करना है, ताकि हम इसको या तो कहीं पब्लिश करें या ब्लॉग या कुछ तरह से उसको समझाएं कि हमने ये समझा। और कुछ लोगों ने ऑलरेडी काफी काम कर दिया है, जैसे मैंने देखा तीनों रेफरेंसेस को मुझे मिला कि काफी काम हो गया। अब सर वो पहला जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा था उसको आप बता देंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा फिर। बस जो पहला डॉक्यूमेंट था जो वो आपने कंपेयर वाला, हाँ जी हाँ जी, मैं वो शेयर कर देता हूँ। उसका लास्ट पेज हो जाए तो हमको नेक्स्ट स्टेप्स मालूम पड़ जाए, नहीं तो मुझे तो ये मालूम है कि अगर हमारे पास दो तीन सोर्स हैं संस्कृत के तो उनमें जो इस संबंध में लिखा है उनको कंपेयर करें, एक टेबल बना लें, और एक टेबल हमको वैसे मिल भी गई है जो अभी बताई गई है जी, तो जी, उसके जी, बाद जी। हम क्या करेंगे कि हम इनकी इनके अर्थ सही हैं ये कंफर्म करेंगे, उनकी रेफरेंसेस देंगे। एक जगह कनाद को 600 BC या और भी ज्यादा पुराना बताया गया है। काल के बारे में हम ज्यादा निर्णय नहीं ले सकते, अंदाज ही कर सकता है, हमको सिर्फ ये बताना है कि न्यूटन से पहले हुआ है बस। ओके, और अगर ये हम बता देंगे तो लोग फिर सोचेंगे भाई ये न्यूटन से पहले था। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपसे कह रहा हूँ कि डिस्कवरी को हमने कहाँ कहाँ यूज किया। एक तो मुझे मिल गया बाण वाला, जिसमें कहते हैं बाण अपनी गति में चलता रहेगा तो वो कंटिन्यू इन इट्स मोशन, वो वाला फ्रेज इसमें आ जाता है। अंटिल अंटिल फिर कुछ होता है और वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आके गिर जाता है, तो वहां वेग और गुरुत्व का संबंध बिल्कुल क्लियर बताया हुआ। बस ये इस तरह की बातें मैंने लिख दी है दोनों इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में। आप सब लोगों ने भेजा है उसका सार मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। जब आप लोगों को समय मिले तो एक सेशन में आधा घंटा इस विषय में, ताकि हम इस पेपर को या तो पहले ऑफलाइन पूरा करें या बाद में एग्री करें। बस इतना कह के मैं समाप्त करता हूँ। इस तरह की जिज्ञासाएं जो होती हैं तो हमको या तो इनको ये कहना है कि वेस्ट खराब है या ईस्ट खराब है या हम बहुत बड़े हैं, ये सब ठीक है, लेकिन हम क्या क्या तथ्य सामने ला सकते हैं जैसा रमेश जी ने हमको बताया है वैसा ही हम आगे करें, तो इस जिज्ञासा का हमको कुछ फायदा प्रैक्टिकल रूप में भी हो जाए। बस खास तौर पे कहाँ पर ये कनाड की ढूंढी हुई चीजों को हमने कहाँ कहाँ काम में लिया, अगर दो तीन शांत भी हम दे दें तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग बन जाता है, और तथ्य ही बताने हमको बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना। नमस्कार, धन्यवाद।
प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और इस और इस सारे चर्चा को और रुचिकर बनाने के लिए और इसमें गंभीरता लाने के लिए आपका सादर अभिनंदन और धन्यवाद है। तो यदि किसी और की कोई टिप्पणी है इस सारे विषय को जो डॉक्टर साहब ने कहा है तो हम उसको ले सकते हैं, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, क्योंकि पिछले दो लेक्चर्स के आधार पर ही उन्होंने ये सारी बातें हमारे साथ खांची की हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें इसके जो प्रयोगात्मक प्रमाण है वो हमें जरूर ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब तक इसके प्रयोग को हम नहीं सिद्ध करते तब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएगा विज्ञान की। तो आप अपनी बात कह सकते हैं बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक, क्योंकि 10 मिनट ही रखे हुए हैं। जी देवदत्त जी, आप अपनी बात रखें। जी जी बहुत संक्षेप और सटीक। नमस्कार सर, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। कहना भूल गया कि इसमें देवदत्त जी का इनपुट भी यूज किया गया है। जी जी जी, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया था सर, ये किया हुआ है, देवदत्त जी का, राजेंद्र मलिक का और डॉक्टर राहुल खटे जी का। जी जी देवदत्त जी। सर ये जो न्यूटन्स के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½at², तो इसको मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, पर अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो एक्चुअल स्क्रिप्ट है उससे वो मैच कर रही है नहीं कर रही। फिजिक्स तो ठीक डाल दिए, कई बार क्या होता है कि हम फोर्सफुली उसको यूनाइट कर देते, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तो ये है जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें तीनों इक्वेशन v = u + at तो जो सही है, v² - u² = 2 ऐसी ये भी फिजिक्स में हम यूज करते हैं, पर ये एग्जैक्टली है वहां से, एक तो हमने ये देखना है। और दूसरा जो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट के बारे में पीछे मैंने भी सर से बात की टेलीफोनिकली, जिसका आपने ये दिखा रहे लिटरेचर जो ये पेपर दिया है जिनसे, तो मैंने उनको ये बोला कि हमारे को एक्सपेरिमेंट करने पड़ते। फिर उन्होंने एक नाम लिया अजय शर्मा सर का, हिमाचल प्रदेश से ही है, तो उन्होंने भी न्यूटन लॉ को चैलेंज किया है। तो बहुत बार कमेंट उनको आ गए, इवन जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक बॉडी CSIR से भी उनको कमेंट आए कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट करो, हम तभी इसको मानेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए तो हमें ये करना ही पड़ता है। और मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है कि कभी ऑफलाइन रखो 2 दिन का प्रोग्राम दिल्ली या कहीं आसपास सेंटर में, तो तभी ये बात बनेगी। वो छुट्टी देखो बस 2-3 दिन, तो मेरा इतना ही है इसमें। जी मैं ठीक है, आपकी बात का आदर करता हूँ। और लोग 10,000 मील हैं वो तो ऑनलाइन ही रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा इसको देखेंगे तो पुराणों में हमें कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयोगात्मक जो है रूप हमें मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह की वहां पे गतियां, जिस तरह के युद्धों का वर्णन आता है, तो कई बार लगता है कि वो किसी ना किसी लॉ के अधीन ही वो युद्ध हो रहे हैं, कि कौन सी बात कहाँ से जा रही है और किस तरह से उसको मोड़ा जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा अपनी दृष्टि को खोल करके। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ही हमारे सामने आ गया है, और कोशिश करेंगे कि इसको हम करें। और मैं कोशिश करूंगा कि कभी मैं ये संभव हो किसी के माध्यम से अगर इसको हम ऑफलाइन भी कर सकें तो निश्चित रूप से उसको करूंगा। तो किसी और का कोई टिप्पणी है तो, नहीं तो डॉक्टर साहब अपनी बात शुरू करेंगे। ऑफलाइन में एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन प्रोविजन भी रहना चाहिए दूर के लोगों के लिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, रमेश जी ने और सब साथियों ने वैशेषिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। वो 6 दर्शनों का एक पार्ट है, लेकिन 6 दर्शन का कहीं ना कहीं वेद आगम या निगम से संबंध है, नहीं तो 6 दर्शन होते ही नहीं, पहले वो हुए। तो अगर ऐसी बात है तो निगम वाले पक्ष में वेद में गुरुत्वाकर्षण का क्या महत्व और कैसे आगे बढ़ा है, उस पर मैं करीब 2 या 3 महीने बाद बोलने के लिए सक्षम हो जाऊंगा। जी अभी मेरा पेपर पब्लिश नहीं हुआ इसलिए चुप बैठा हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे मुझे पुराण की एक घटना याद आती है कि वो 3 लोक जो हैं, कि वो उसने त्रिपुरासुर ने जो है वो 3 लोक जो बना दिए उसने, और वो तीनों घूमते रहे और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय किए गए। तो कहीं ना कहीं वो सूत्र और कहीं ना कहीं वो मिलेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हालांकि थोड़ी सी मेहनत का
है जी। डॉक्टर लक्ष्मण जी आपकी अंतिम टिप्पणी और उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी बात शुरू करेंगे। जी पांडे सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ये जो न्यूटन्स लॉज में जो आता है 1/r² डिपेंडेंस जो आता है ना, फोर्स जो काम कर रहा है मास के प्रोडक्ट और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये कहीं हमारे इसमें वैशिष्ट्य वगैरह में बहुत खोजा, कहीं इसका वो नहीं मिलता कि कहीं आर स्क्वायर डिपेंडेंस के विषय में कुछ कहा है क्या। ये मैं रमेश जी से बहुत सालों से हम लोग संपर्क में बात करते रहते हैं लेकिन कभी ये मैंने बहुत खोजा इधर उधर, लेकिन वो अगर कहीं कोई किसी को मिले हल्का भी कुछ मिले तो हम लोग उस श्लोक से अर्थ निकाल के उसका चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब अब क्या इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रमेश वर्मा जी को कि इस सारे के ऊपर टिप्पणी करते हुए वो आगे की बात जो है वेदांत और सांख्य की दृष्टि से आज लगभग 40 मिनट में वो अपने वक्तव्य को रखेंगे और फिर उसके बाद फिर पुनः चर्चा हम लोग आरम्भ करेंगे। जी सर स्वागत। ये मैं इसको अपलोड कर लूं जी? जी 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 सर प्लीज डू दैट। ये मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है आज के क्यों क्या हो रहा है। आल्सो शेयर अ वीडियो एंटायर स्क्रीन। जी जी बिल्कुल एंटायर स्क्रीन को आप शेयर कीजिए। आप पहले अपना बंद कर दें। कर दिया सर। हाँ जी हाँ जी कर दिया। एंटायर आज शेयर अब आ गया शायद। अब देखिए मेरी ये अपना स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी हो गई। ओके सो सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों का जो वर्तमान है उनका स्वागत करूंगा। उन्होंने मुझे सुनने के लिए अपना समय निकाला और उसके बाद जो पिछले टॉक्स के रिस्पांस में सभी मित्र पर्टिकुलरली रवि शर्मा जी ने इतना पेंस लिया है, देवदत्त जी, लक्ष्मण पांडे जी, राजेंद्र मलिक जी, राहुल अटे जी जिन्होंने इतना रिस्पॉन्स दिया वो मेरे लिए भी एनकरेजिंग है। तो थोड़ा सा मैं दो चीज टिप्पणी जरूर करूँगा। आई वॉज फुली अवेयर ऑफ ऑल दिस बट पिछली बार क्योंकि मेरा फोकस स्पेस टाइम मैटर के कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन पर ही रहा है तो मैंने इसको अवॉइड किया और जैसे अभी शर्मा जी ने बोला रवि शर्मा जी ने एक सेपरेट टॉक की इस पर जरूरत भी है और कुछ मित्र इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लगे भी हुए हैं मगर फिर भी कल परसों आशुतोष जी जो आपने मटेरियल दिया उसके आधार पर कुछ शीट्स मैंने ऐड भी किए हैं जो मिलती जुलती भी हैं और इसमें पर्टिकुलरली मैं देवदत्त जी का पॉइंट बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ कि हमें अति उत्साही भी नहीं होना है। जो फैक्ट्स सामने हैं उनको एज सच देखना आवश्यक है अदरवाइज क्रिटिसिज्म के अंदर हम अच्छी चीजों को भी कहीं बाद में खोना बैठे। अभी जैसे लक्ष्मण पांडे जी ने भी वो 1/r² वाला फार्मूला है जो फिजिक्स में पहला ग्रेविटेशन लॉ आता है हम उसके साथ यात्रा शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की वो हमें सच में कहीं नहीं मिला हुआ है। कमरे खोल दो यार एक वाला कमरे खोल दो। तो इस मामले में भी बड़ी गंभीरता से कहीं मिले तो जरूर। अभी जैसे आशुतोष जी आपने भी जिक्र किया है पुराणों के अध्ययन में हमें बहुत सारे कथानक कहानियां और घटनाएं जो हिस्टोरिकल भी होंगी जरूर ऐसी मिलती हैं जैसे अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में कैसे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को जरूर कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो मैथमेटिक्स है जो मेन आधुनिक फिजिक्स का कार्यवाहक है बिना उसके हम नहीं चलते ये हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में वेदों में बहुत कम मिलता है ना के बराबर ही लेकिन उनमें से ढूंढ के निकालना और भी अच्छा है मगर ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियन इन चीज़ों से अपरिचित थे इनका बहुत इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा छींटा मैंने 5-10 शीट से निकाल ली आज उनको देने की कोशिश की है लेकिन इन बिटवीन मेरा अपना धर्म फिजिक्स के प्रति बड़े गंभीरता से मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है कि आज जो हम फोर्स समझ रहे हैं और कितने किस्म के फोर्सेस को समझ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने साहित्य को गंभीरता से देखना है यह तो अति आवश्यक है क्योंकि हमने क्या किया क्या उसकी रेलेवेंस है वो सब रहेगा
अभी जैसे रवि शर्मा जी ने बोला है कि ये अहंकार के पहले किसी ने क्या, बाद में किसी ने क्या, ठीक है प्रायोरिटी होनी चाहिए, ड्यू एक्नोलेज भी मिलना चाहिए, मगर फिजिक्स में जितने कंसेप्ट हैं क्या वो एज सच वर्तमान थे, ये क्वेश्चन डिबेटेबल रहेगा, तो मुझे ये कहना है। लेकिन एनी हो आई कंटिन्यू विद दिस, तो एक जो मित्र शायद पिछली बार ना भी रहे उनके लिए ये मेरी धारा रही है आउटर लाइन्स कि मोटिवेशन क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, वो फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा बट एक डिफरेंट वे में। फिर हमारे भारतीय दर्शन के स्रोत क्या हैं और ऋग्वेद आइडिया ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन में हमने कुछ बातें कही हैं। मेन फोकस जो है वो मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर्स पर है। अभी जैसे रवि शर्मा जी ने बोला है कि षड दर्शन ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरे जो अवैदिक दर्शन है उन्होंने भी इन सब समस्याओं पर अपने अपने ढंग से बहुत काम किया है। और मैं ऑलरेडी ये बात बोल भी चुका हूँ कि अथा लिटरेचर है, प्रॉब्ली मिलियंस ऑफ मैनुस्क्रिप्ट हैं जो अभी भी हम प्रॉपरली ना तो ट्रांसलेट शायद कर पाए हैं ना उसमें ढूंढ पाए हैं, और वो खजाना हम सब लोग धीरे धीरे आशा है कि नई जनरेशन भी करेंगे और हम लोग जितना हो पा रहा कर रहे हैं। मेरे जैसों का दुर्भाग्य ये है कि हमारी संस्कृत के बैकग्राउंड ऑलमोस्ट निल है, तो यहाँ संस्कृत के मित्रों का दो ढंग से सहयोग आवश्यक है। एक तो वो जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे अभी शर्मा जी ने मुद्दा उठाया कि क्या वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वही है, वहाँ कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत है। दूसरी जो प्रॉब्लम मैं पिछले कई मीटिंग्स और पिछले 2-3 साल से हम फॉर्मली कर रहे हैं इन सब चीजों में, एक इशू उठ के आता है बार बार कि बहुत सारे शब्द हैं, क्या हम उनको मॉडर्न लैंग्वेज में जो हमें फिजिक्स में या चाहिए एग्जैक्टली वही है, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और कई बार वो कॉन्ट्रेक्चुअल भी होते हैं। ये सब समस्याएं, मेरी रिक्वेस्ट है जो भी हमारे मित्र या संस्कृत के विद्वान बैठे हैं वो देखें और थोड़ा एक कोऑर्डिनेशन वे में हम इसको कुछ कर पाए। लास्टली आई डोंट नो, कभी टाइम मेरे को लग रहा है कि मित्र लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो आगे भी शायद मौका देंगे, आज भी नहीं मालूम कि मुझे 40 मिनट में मैं कितना कवर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी पैरेलल्स विद मॉडर्न फिजिक्स एंड रिलेशन विद मेटाफिजिक्स प्रॉब्ली और कंक्लूजन अपने आप में इम्पॉर्टेंट होंगे। सो ये क्वेश्चन है जहां से सारी बात शुरू हो रही है कि इटर्नल क्वेश्चन केप्ट एंशिएंट एंड मॉडर्न थिंकर्स बिजी, व्हाट इज दिस वर्ल्ड मेड अप ऑफ, मेरा फोकस मेनली यही रहा है, देन व्हाट फोर्सेज होल्ड इट टुगेदर, दैट इज द इशू। And these two questions ultimately today it led to the culmination to the quantum physics, which is marvelous. I call it culmination of the human mind and fantastic. It's a success theoretical way mein aur experimental way mein itni powerful hai ki hame yadi electron ki magnetic properties ko study karna hai to aaj 14 decimal place tak ke dono theory aur experiment mein agreement hai। तो इस मामले में हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि रियलिटी बेसिकली क्वांटम ही है। और खास बात ये भी है फिजिक्स की कि फिजिक्स इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट जिस पर सभी साइंसेज बेस्ड हैं, फिजिक्स से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से बायोलॉजी और प्रॉब्ली बायोलॉजी से साइकोलॉजी, ये एक लंबा बेस है। और इसमें एंशियंट साइट पर वैशेषिक सूत्र ने बहुत लीडिंग रोल प्ले किया, वो हम सभी इसके बारे में जुड़े हुए भी हैं, कर भी रहे हैं काम। और मैं जैसे मैंने थोड़ा सा टच करना है आज, आई होप आई हैव योर फोकस, दूसरे दर्शनों ने इसको पकड़ा है, फिर भी विशेषक अपने आप में यूनिक है क्योंकि उसने जिस कॉम्प्रिहेंसिव वे में और ऑल इंक्लूसिव वे में सभी एस्पेक्ट्स को छुआ है वो रिमार्केबल है, जबकि उसके सामने थोड़े आते हैं मन में लेकिन उतने वो कंपटीशन में उतने केयरफुल नहीं है लिखने में, उनको पर्पस शायद थोड़ा डिफरेंट वे में है। कई बार वो इसके आइडियाज को एक्सटेंड करते हैं, कुछ नई डिमेंशन ऐड करते हैं, जैसे सांख्या कॉस्मोलॉजी की तरफ ज्यादा जाएगा, वेदांत यूनिफिकेशन की तरफ जाएगा, मगर मेटलिस्टिक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये विशेषक हमेशा ज्यादा से प्रिय लगता है। अब इसमें हुआ क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी जैसे ये जिक्र एक्चुअली हो रहा था, ये वंडरफुल पुस्तक है, वैसे कई मित्रों ने काम किया है, मैं खुद उसका एंड में शायद वो दूंगा कि कौन कौन से रेफरेंसेस मेरे रहे हैं। इट्स अ थॉरली वेल रिटन बुक। और जो अभी हम देवदास जी ने भी इशू उठाया है कि जो काइनेमैटिक्स के फार्मूले हैं V=U+AT और दूसरे फार्मूले, उनको यहाँ इन्होंने अच्छे तरह से दिया भी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर वे में, और इसकी शायद PDF फाइल भी अवेलेबल है, यदि मित्र लोग चाहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। पर्टिकुलर खूबी विशेषज्ञ की यह है, एक
जैसे हम जानते हैं कि जो उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, उसमें द्रव्य के बाद कर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी भी है। फुल चैप्टर जहां तक मेरी मेमोरी है, फिफ्थ चैप्टर में उन्होंने मोशन को, जो हम कह रहे हैं कर्म का अर्थ या मोशन हम लोग ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे गहराई से दिया है। तो यदि हम उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो हमें उसमें एक एम्पिटस थ्योरी, जो कि प्रॉब्ली 6th century में कहीं ये ब्रिटिश ने ली है, बट उसमें थोड़ा बहुत काम उससे पहले अरविंद ने भी किया है और शायद वो भारतवर्ष ही गया हो, क्योंकि हम सबको पता है कि अरबिक सिविलाइजेशन ने बहुत सारा मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल वर्क हमसे लिए हैं, उन्होंने आइडियाज भी डेवलप किए होंगे। बट ये हम यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलरली देवदत्त जी का भी पॉइंट दिमाग में रखते हुए, कि जो लॉस हम दे रहे हैं, और रवि शर्मा जी ने भी बहुत ये रेलिवेंट पॉइंट उठाया कि क्या वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है भी, वो सभी मित्रों को बड़े गहराई से विचार करना, क्योंकि हमें दोनों किस्म के व्यू पॉइंट मिल रहे हैं और वो अवेलेबल भी हैं। तो लेकिन फिर भी हम इस इम्पिटस आइडिया को, जो कि उन्होंने बाण के कॉन्टेक्स्ट में किया है कि बाण आपने छोड़ दिया, इलास्टिक फोर्सेज जो है उसको पुश करती हैं, वो बहुत देर तक अपने मोशन को बनाए रखता है, दैट इज इम्पिटस। तो यहाँ कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया और संवेग, जिसको कहते हैं हम हिंदी में मोमेंटम, जो मास और वेलोसिटी का, स्पीड का यानी गुणांक है, एंड प्रोबेबली एक्सेलेरेशन, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज टिपिकल कंट्रीब्यूशन विच इज मेड बाई न्यूटन, कि ही डिफरेंशिएटेड पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड दैट एस्पेक्ट इज बिफोर न्यूटन। डोंट थिंक अबाउट कनाथ, मैं वेस्टर्न साइंस की बात कर रहा हूँ। मोस्टली पीपल, इवन अरिस्टोटल सेड फोर्स प्रोड्यूसेस वेलोसिटी, एंड कनाथ जो हमें दिख रहा है वो यहाँ कहेंगे कि फोर्स प्रोबेबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोशन। फॉर्मली मोमेंटम हमें एज सच, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ, नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज चेंज इन मोमेंटम से आगे, चेंज इन स्पीड से आगे है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन। प्रोबेबली आई मे बी कॉल्ड कंजर्वेटिव, दैट आई डोंट फाइंड एक्सप्लिसिटली इन विशेषक सूत्रार्थ, जो चाहे हम क्लेम कैसा भी करें, यहाँ सूत्रार्थ हैं जो हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑन द पॉजिटिव साइड, लेट अस से विशेषक हैज पेड लॉट ऑफ अटेंशन टू मोशन एंड इट्स डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्क्रिप्शन, इट क्लियरली गिव्स डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन एंड देयर कॉजेज। और उसके बाद जो टीका टिप्पणी, जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं, पर्टिकुलरली उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रशस्त पाद का भाष्य है जिनका जिक्र हो रहा है, और डोंगरे जी ने भी उसी प्रशस्त पाद के भाष्य में से ही एक श्लोक निकाल के उसके तीन टुकड़े करने के बाद ये लिखे हैं। सो ये नहीं है कि अवेलेबल नहीं, अवेलेबल हैं, और याचिक संस्कृत के विद्वान ही देखेंगे। तो लकीली प्रशस्त भाष्य की, प्रशस्त भाषा की भी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी है, और मित्र लोग कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। उसमें वो एग्जैक्ट श्लोक जो डोंगरे जी ने कोट किया है अपनी बुक में मिलता है। फर्क है कि वो जो है वो इकट्ठा है, उसको संस्कृत के विद्वान होने के कारण डोंगरे जी ने तीन अलग रूपों में लिखा है जो यहाँ दिए गए हैं। तो पहले तो उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, रोटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, इन सब को किया है कैटेगराइज। फिर उन्होंने ये भी बात की है कि कैसे एक्सटर्नल एक्शन से मोशन प्रोड्यूस होती है, बट मोशन खुद मोशन को प्रोड्यूस नहीं करती है, और ये जो मोशन है मे बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी या फ्लूडिटी के कारण हो रहा है। तो इतना जरूर है कि बड़ी गंभीरता से कनाद ने भी इसको किया है, और उसके बाद जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके टीकाकार हैं, उन्होंने भी इस बात पर काफी समय लगाया है। कमिंग बैक टू दी सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ, अब देखिएगा ये वेग निमित्त विशेषता कर्मणो जायते, चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स, ये हम फर्स्ट लॉ की तरफ जाना चाह रहे हैं। बट सच बताऊं तो इनर्शिया का इंडिकेशन सफिशेंटली है, और ब्रजेंद्रनाथ शील ने भी जो अपनी पुस्तक है पॉजिटिव साइंसेज ऑफ एंशियंट हिंदूज, उसमें बड़ी गहराई पर इस पर विचार करने के बाद कंक्लूड किया है कि हमें इनर्शिया वाला जो कंसेप्ट है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो मोशन के कहो, चाहे वो रेस्ट में हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर हम काफी विश्वास कर सकते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इसका भी काफी हद तक हमें जो मिलता है वर्णन, जैसे वो मूसल की बात की जाती है कि मूसल को जब आप हमें हाथ से नीचे मोशन दे रहे हैं, जब वो लेकिन जब वो टकरा रहा है
उसके बाद वो वापस भी आता है, जो कि एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात ही है। इसके भी मिल जाते हैं दो एग्जैक्ट श्लोक, जैसे वेग संयोग विशेष विरोधी और कार्य कर्मण का भी जो एक एक, एक और श्लोक आता है विशेषक में, वो शायद इसका इंडिकेशन है। प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ी सी जो सेकंड लॉ पर है उसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी जो अर्थ निकाल पाए हैं अपना डोंगरे जी, वो ये कह रहे हैं कि चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये चेंज ऑफ मोशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है यदि हम न्यूटन लॉ के साथ कंपेयर करें, क्योंकि ही इज वेरी स्पेसिफिक न्यूटन, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता है, मोमेंटम इज मोशन। तो इस पर विचार करने की जरूरत है, और उसके लिए जो जो हमने श्लोक यहाँ पर हमें दिख रहा है जो प्रशस्तपद भाष्य में है, ओरिजिनल विशेषिक में नहीं है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब उसके बाद एक और ये सुजेशन आई थी ऑन द वे कि क्या हमारे पास गुरुत्व से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ हैं वहाँ हैं। वही बात मैं फिर मैं याद कराऊंगा मित्रों को कि जो लक्ष्मण पांडे जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि काश हमें कहीं से वो 1/r² का फार्मूला दिख जाए, देन वी विल बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो न्यूटन की बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। हाउएवर हमें थोड़ा सिंपैथेटिक व्यू पॉइंट से भी लेना चाहिए। अब ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि कई मीटिंग में मैंने जाके देखा है सम पीपल वांट टू सजेस्ट कि हमें हीलोसेंट्रिक आइडिया कहीं ना कहीं दिया है, और खास तौर पे हम इसमें आर्यभट्ट जी को कोट करना चाहते हैं कि उन्होंने किया है, लेकिन लोग उसके ऊपर भी क्वेश्चन ये उठा रहे हैं कि वो वास्तव में है भी या नहीं। और उसके लिए फिर वही हो जाता है कि हम सब मित्रों का एक दायित्व है कि हम ओरिजिनल ग्रंथों में से वो श्लोक, वो जो भी है हमारे पास टेक्स्ट, निकाल के दिखा पाएं, शेयर कर पाएं कि ये है। अब जैसे ये इंडिकेशन हमें ऋग्वेद में मिलती है 10वें मंडल में, सविता ने अनेक मंत्रों की सहायता से धरती को स्थिर किया है, एवं बिना किसी सहारे के दुलोक को दृढ़ता से बांध दिया है, आकाश में सागर के समान स्थित बादल घोड़े के समान कंपित रहते हैं, बादल उपद्रव रहित स्थान में बधा है, उसी से सविता जल निकालते हैं। यह महत्व सन का किया गया, किसी मित्र ने बहुत अच्छे ढंग से नीचे भी कोशिश किया, मैं इनके ऊपर अपना कुछ नहीं कहना चाहूंगा, विद्वान लोग ही देखेंगे क्या ये अर्थ बनते हुए है नहीं। द सन हैज बाउंड द अर्थ एंड द प्लैनेट्स बाय द अट्रैक्शन ग्रांटेड बाय द गॉड्स। डॉक्टर साहब आपकी स्लाइड नहीं दिखाई दे रही, या तो स्लाइड ओपन नहीं की आपने, मेल ओपन की हुई है, कुछ भी नहीं आया अभी तक। नहीं नहीं नहीं, मेल तो दिखाई दे रही है आपकी, और उसके ऊपर जो आपके दो पीडीएफ हैं उनका तो पता लग रहा है, लेकिन आप उसको ओपन करें। ओपन तो मेरे इस पे तो है यहाँ पर, इसको दोबारा से शेयर करूं मैं शायद। नहीं, दोबारा से तो नहीं, वो आनी चाहिए जब आपकी मेल यहाँ पे शो हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक मैं इसको दोबारा से शुरू करता हूँ। जी जी, बेशक बेशक, दोबारा कर लीजिए इसको, माय टॉक, और ये फुल स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। अब फिर ये नीचे ये क्यों उड़ गया है? अब ठीक है, अब आ रहा है जी? नहीं आ रहा, नहीं आ गया, आ गया जी जी, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक। गुरुत्व आ गया। तो ये मैं पहले आपने कुछ भी बताया हो तो रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये मोटिवेशन है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्या आउटलाइन है कि क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड मेड अप ऑफ एंड व्हाट फोर्सेस हेल्ड एवरीथिंग टुगेदर। इसको शुरू से लोग सोचते रहे हैं, और नो डाउट आधुनिक जो भौतिकी है उसने तो किया ही है। फाइनली हम आज के डेट में वी कैन प्राउडली से दैट वी आर लिविंग इन एज ऑफ क्वांटम फिजिक्स व्हिच इज प्रोवाइड द बेसिस ऑफ नॉट ओनली फिजिक्स बट आल्सो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अदर थिंग्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल दोस सब्जेक्ट्स हैव कम क्वांटम बायोलॉजी। सो कहीं ना कहीं गहरे में क्वांटम फिजिक्स इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, और वहीं पर रहस्य भी छुपे हुए हैं। एंशियंट साइड पे विशेषिक सूत्रों में इसका हमें जिक्र मिलता है, विच आर डियर टू अस। ये मैंने उनका डोंगरी जी की पुस्तक है यहाँ डाला है कंपोनेंट के, यहाँ कुछ लोग मित्र अवेलेबल हो सकते हैं। पहली बार 1990 में छपी थी, शायद संस्कृत वर्षन उससे भी पुराना हो। 2016 में ये नेशनल बुक यानी ट्रस्ट ने भी छपी है, और ये विशेषिक सूत्र है जिनका मैं जिक्र एक्चुअली कर रहा था कि पहला जो सूत्र है वो काफी हद तक हमें मिल सकता है। जैसे मैंने कहा है कि इम्पेटस आइडिया
वो बाण के जो एग्जांपल चल रही थी कि बाण एक बार हमने कमान से छोड़ दिया तो वो अपने मोमेंटम के कारण, अपने इनर्शिया के कारण चलता रहता है और अंत में वो ग्रेविटी के कारण गिर जाएगा। ये हमारा सामान्य अनुभव है, बट इतने देर तक चल रहा है वो भी क्या है, वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया है जो कि गैलीलियो ने बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उसको थोड़ा सेटअप किया और न्यूटन ने उसको फिर बाद में उठाया भी। और मोमेंटम का कंसेप्ट भी किसी हद तक हम इसमें ढूंढ सकते हैं जिसको हम ये मोशन कह रहे हैं, बट एक्सेलरेशन पे मुझे डाउट है। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो रेट ऑफ चेंज के कितने समय में कितना चेंज हुआ है वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हमें किसी हद तक हिडन वे में एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियन के काम में मिरर है, वो में भी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा छूने की। फिर ये विशेषज्ञ के तीन यानी सूत्र हैं। तो पहली बात तो है कि विशेषज्ञ सूत्रों का अपना महत्व है, लेकिन उस पर जो प्रशस्त पाल जी का भाष्य है वो बहुत अद्भुत है और एग्जॉस्टिव है और मुझे भी पढ़ने में कठिनाई आती है क्योंकि मेरे संस्कृत की बैकग्राउंड नहीं है तो मैं थोड़ा उसकी इंग्लिश से समझ पाया हूँ। बट डोंगरे जी की पुस्तक में ये बात क्लियर हो जाती है कि वो वास्तव में है, क्योंकि कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे है। ये सूत्र उपलब्ध है और प्रशस्त पाल जी के भाष्य में है, सभी मित्र इसको कर सकते हैं, लेकिन तीन ऐसे अलग अलग रूपों में नहीं है, ये तीनों को किसी वे में कंबाइन करके लिखा हुआ है। डोंगरे जी का महत्व यह है कि उन्होंने उस एक श्लोक से उसको बाहर निकाल के, तीनों को अलग अलग बाहर निकाल के डिफाइन किया। तो इस पर जो पहला है जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है कि ए बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, वो कहीं ना कहीं दिखता है, विशेषक में भी है और प्रशस्त पाल के भाष्य में भी है। तीसरा जो है एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट कहना थोड़ा कठिन है, बट एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट, ये तो वर्णन मिलता है, वो आपने भी शायद भेजा है जो उस पे, कि मुसल का जो हम अटैक कर रहे हैं किसी चीज के नीचे तो वहां से वो रिएक्शन के तौर पे वापस भी आता है जबकि हमारा हाथ उसको वहां रोक भी रहा है। तो वो सब चीजें डिटेल में स्टडी करने की है। मुझे जो थोड़ी सी समस्या है कि जो सेकेंड लॉ हम क्लेम करना चाहते हैं प्रॉबली विच इज एक्चुअली द लॉ ऑफ मोशन जो मेन है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं 11th 12th में, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ, लेकिन सेकंड लॉ में समस्या है। यहाँ भी जो डोंगरे जी कर पाए वो यहाँ तक कर पाए, चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या एग्जैक्टली ये मीनिंग निकल रहा है, एक तो ये देखने का इशू है, दूसरा यदि निकल भी रहा है तो भी इसमें एक कमी तो है, चेंज ऑफ मोशन अपने आप में यानी कंप्लीट नहीं है। चेंज ऑफ मोशन को हम टेक्निकली फिजिक्स में इंपल्स के तौर पे भी डिफाइन करते हैं, बट यहाँ हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता रहे हैं न्यूटन जो कि मुख्य लॉ है। तो यहाँ गंभीरता से बहुत सोचने की आवश्यकता है प्रशस्त पाल जी के भाष्य पर भी। एनी हाउ तो एक ये एक ही सजेशन थी कि मैं गुरुत्व के को भी कहीं इधर से कुछ लाऊं, तो कुछ लाइनें मुझे लकीली मिल गई हैं। तो यहाँ एक तो हेलियोसेंट्रिक का आइडिया है, यहाँ सन का महत्व दिया गया है कि सन ने अर्थ को बांधा हुआ है और प्लैनेट को भी बांधा हुआ है, बट क्या ऊपर दिए श्लोक से ये अर्थ निकल रहा है, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, ये सभी मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि वो इस पर थोड़ा विचार करें। बट उसके बाद एक श्लोक तो मुझे और भी मिले हैं, फिर मेरे को नहीं पता कि कितने एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, कुछ लोग उसको आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत के बता रहे हैं, ये किसका है मुझे नहीं मालूम, बट इसमें भी आइडिया वो ये देना चाह रहे हैं कि अर्थ को के जो अर्थ गिर क्यों नहीं रही है। अब ये क्वेश्चन उस समय पूछा जा सकता था, आज मुश्किल है क्योंकि हम सब जानते थे कि अर्थ गोल है, फ्लैट अर्थ वालों को ये क्वेश्चन नहीं मिलता क्योंकि वो कहते हैं फ्लैट अर्थ है तो कहाँ पर गिरेगी, इसलिए वो कह रहे हैं ये एंडलेसली फ्लैट है। मगर हम मेरे ख्याल से ब्राह्मणों में और कई जगह हमें ये मिलता है वर्णन के अर्थ की गुलाई का स्पष्ट वर्णन था। शंकर बाल दीक्षित जी ने जब अपनी पुस्तक भारतीय ज्योतिष दैट इज एस्ट्रोनॉमी उसमें उन्होंने वो श्लोक दिया भी हुआ है और कभी टाइम मिलेगा तो मैं शेयर भी करूंगा। तो दूसरा भी श्लोक यही दिया गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, बट जब हम फोर्स कह रहे हैं तो मन हमारा करता है कि जो फिजिक्स में फोर्स आ गया उसको हम यहाँ पर चिपका लें, दैट इज मोशन है। यहाँ देवगुप्त का पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगुप्त बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि सूर्य सिद्धांत में बहुत कुछ मिला है और थैंक्स टू आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट ने तो मार्वलस हमारे जो जो क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी है उसको बहुत क्लियर कट वे में, फैंटास्टिक वे में उन्होंने जो डेवलप किए हैं आर्यभट्टिया में,
नो डाउट वो इतने पावरफुल और इतने एक्यूरेट हैं कि जो साउथ का स्कूल है, जो केरला स्कूल जो 17वीं-18वीं शताब्दी तक जिंदा रहा है और अभी भी होंगे, वो लोगों ने उसी को रोल मॉडल बना के किया है। तो वो एक अलग अपने आप में टॉपिक है और कभी मिलेगा तो जिक्र करेंगे, बट मित्र लोग उस पर लगे हुए हैं जो मैंने ग्रुप का जिक्र किया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में IKS में, उसमें दो ग्रुप्स में, एक को एस्ट्रोनॉमी और मैथ, एक को फिजिक्स के लिए उसमें काम किया, तो लोग उसमें लगे तो हुए हैं और ये काम काफी देर से वेल नोन भी है, ट्रांसलेटेड भी है, तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी नई डायमेंशन निकल रही है। जैसे मैं अभी भास्कर कामले की पुस्तक एक पढ़ रहा था, वो हिंदू मैथमेटिक्स पर उन्होंने लिखी है, वो IIT के PhD हैं, कुछ साल पहले ही, वो आजकल जर्मनी में है, तो उन्होंने वो पुस्तक लिखी इसलिए है कि भी व्हाट एग्जैक्टली हिंदू कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स, और हम कहाँ मिस कर गए, क्यों उसको जानबूझ के छुपाया गया, वो बातें भी हैं। बट उसके अंदर खास बात यह है कि जो पर्टिकुलरली जो लोग थोड़े टेक्निकली अवेयर हैं साइन टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जो आर्यभट्ट ने साइन टेबल दिए हैं उसमें इशारा हो रहा है कि शायद वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस से पूरी तरह परिचित थे और प्रॉब्ली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट एल्गोरिथमिक वे में उनको अवेयरनेस इस बात की थी। ये भी बड़ी बड़ी गंभीरता का काम है जो कि करने वाला है। उन्हीं के पैरेलल उस वक्त ब्रह्मगुप्त भी थे, तो मैंने अपने इस शीट्स में कोशिश की है कि मैं मैथमेटिक्स को ना के बराबर रखूं, तो क्वालिटेटिव पॉइंट्स पर मैं फोकस कर रहा हूं। ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट के ही तरह प्लैनेटरी पोजीशंस उनकी कैलकुलेशन करने में अपनी क्षमता दिखाई है। अर्थ का सरगम क्वाइट इंप्रेसिव, पहली बार गुरुत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण। आज भी आप देखें कि ग्रेविटी शब्द में वो जो गुरु तो कहीं चल रहा है, कहीं से चल रहा है, जीव भी है, रह भी है, वह भी है, तो ग्रेविटी भी शायद लेटेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम मैंने दिया भी है किसी उसमें शीट में। और फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण किया कि गुरुत्व एक यानी प्रॉपर्टी है, उसके कारण अर्थ जो है सभी चीजों को अपने ओर आकर्षित कर लिया, तो उन्होंने टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी पर इन्हें भी ध्यान दिया है। यहाँ पर फिर हम थोड़ा न्यूटन से अलग या पीछे भी रह जाते हैं, क्योंकि न्यूटन की सबसे इंपॉर्टेंट महिमा यह भी रही है कि उन्होंने दो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को यूनिफाई किया है, और उन्होंने बोला है कि जो सेलेशियल यानी ग्रेविटेशन ऐसे से बिटवीन सन एंड अर्थ, और जो अर्थ एंड इस ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ है, दोनों एक ही हैं, और वो वन ओवर आर लास्ट स्केल से गवर्नड है। तो ये बड़ा उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वो भी हमें ढूंढना है कि क्या हमें ऐसा मिला है कि जो सेलेशियल ग्रेविटी और ये टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी को हमने एक जगह रखा है या उसको समझा है, बट फिर भी उस समय में आज से 1500 साल पहले इतना काम भी करना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि रूट्स और सीड्स नो डाउट हमें विशेषक और दूसरे ग्रंथों में मिलते तो हैं, पुराणों में भी जिक्र है। सो ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट नेचर ऑफ अर्थ वाज टू अट्रैक्ट बॉडीज टू इटसेल्फ। सो ये उसकी यानी इनहेरेंस है उसमें कि वो उसकी उसका गुण है वो, और ये चीज बाद में भास्कराचार्य भी बहुत एम्फेसाइज करते हैं। तो भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशन पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि people have acknowledged that he was master of dealing with infinitesimal, मतलब small changes. अब जैसे हम सबको पता है division by zero is never permitted, but division by very small quantities is allowed. तो वो जो है infinitesimal quantities को deal करने में उनका जो ग्रंथ है, और इस ये marvelous ग्रंथ है, बड़ा भारी ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, इसमें उन्होंने arithmetic, algebra, trigonometric, geometry, three dimensional ट्रिग्नोमेट्री एंड फाइनली मोशन ऑफ ये प्लैनेट्स को जो जिक्र किया है, वही उस बुक में सबसे उनका योगदान ये है, उन्होंने कैलकुलस डेवलप किया है। कैलकुलस वो ब्रांच है जिसके बिना आधुनिक फिजिक्स एक क्षण भी सांस नहीं ले सकती। आज हम जो कुछ भी साइंसेस में कर रहे हैं, वन वे और दी अदर, वो कैलकुलस जो टूल है जिसको हम शुद्ध हिंदी में चलन कलन बोलते हैं, उसके ऊपर ही आधारित है। और ना केवल उन्होंने उसको उस टूल को डेवलप किया है, उसको आगे यूज भी किया है प्लैनेटरी पोजीशंस को कैलकुलेट करने में, और मून यानी कंजक्शंस और एक्लिप्सिस वगैरह को निकालने में। उन्होंने ये
भी कोशिश किया कि वो ये ग्रेविटेशन को एज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल करें, या यूनिवर्सल भी कहना बहुत बड़ी बात है, जिसे परिचित होंगे, और उसका थोड़ा सा आइडिया उन्होंने कॉस्मोग्राफी में भी किया है, इस बात का आइडिया कि कैलकुलस है, क्योंकि कैलकुलस में स्मॉल स्मॉल चेंजेस की बात होती है, वो यहाँ मिलता है, और ये पुस्तक इंसा से पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो काफी साल पहले रिपब्लिश हुई थी मगर अवेलेबल नहीं है। उसमें मार्वलस काम किया है उन्होंने, उसमें जैसे दिखाया है इस पुस्तक के आधार पर ऑथर्स ने कि तीन किस्म की गतियों का वो वर्णन करते हैं, स्थूल गति, सूक्ष्म गति, तात्कालिक गति, अपने आप में जिनको मीनिंग ये समझ में आ रहा है, मीनिंग इज ऑब्वियस। तो और ऑफ कोर्स यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मोशन जो है प्लैनेट्स के सर्कुलर है। तो जब आप किसी भी टाइम में टोटल एंगल ट्रेवल है उसको आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो, वो आपको स्थूल गति देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। बट जब आप इसको कम करते हो तो सूक्ष्म गति समय के मुताबिक, जो कि धीरे धीरे एक्सेलरेशन के कंसेप्ट की तरफ ले जा रहा है, वो यहाँ उपलब्ध होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भी बताना चाहूंगा कि भास्कर से पहले इवन आर्यभट्ट और दूसरे जो लोग हैं वो टाइम वन डे लिया करते थे, 24 घंटे का इंटरवल, यदि 60 घड़ी का है इंटरवल है, विच इज क्वाइट लार्ज। लेकिन भास्कर आचार्य ने बहुत स्मॉल चेंज का कंसेप्ट डेवलप किया, जिसको त्रुटि कहते हैं, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली और माइक्रोसेकेंड, विच इज क्वाइट रिलायबल। तो वहां वो तात्कालिक गति, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, Which is what Newton is using. But हमें ये ध्यान रखना है कि भास्कर आचार्य जी का समय 1150 का, जब उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो roughly more than 500 years before Newton है। तो इसके ऊपर बहुत thorough work करने की जरूरत है, और लोग कर भी रहे हैं जहां तक मुझे लगता है। तो उन्होंने ये भी बात मानी है कि ग्रेविटी जो है, अट्रैक्शन जो है अर्थ की, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। फिर लिखता है कि अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई टुवर्ड्स इटसेल्फ विद फोर्स, ये मैंने श्लोक भी निकाला, होपफुली इट इज ऑल राइट। लेकिन यहां मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारे पास फिजिक्स में ग्रेविटी का कंसेप्ट है वो क्या है, शायद ये कुछ मित्रों को हेल्प भी करेगा कि हम इनको ढूंढ पाए। तो मेजर डेवलपमेंट जब हम ये देखते हैं, तो अरिस्टोटल का थॉट जो था, क्योंकि हम सभी मानते हैं फिजिक्स वाले के बिगिनिंग जो फेज की अरिस्टोटल से है, तो ही थॉट ऑफ नेचुरल प्लेस का जो कंसेप्ट है, वो कहते हैं कोई भी चीज जो है अपने नेचुरल प्लेस में जाएगी, तो ऑब्जेक्ट का नेचुरल प्लेस यानी गिरना है, उतना ही कह के छोड़ दिया। बट उसके 1300 साल के बाद जब मार्स डाटा हुआ, वी ऑल नो कोपरनिकस ने जो है हेलिसेंट्रिक जो सिस्टम को किया है, 1500 कुछ के करीब फिगर है उनका टाइम। तो लेकिन उन्होंने जो ऑर्बिट्स को सर्कुलर कहा है, केपलर ने जिस वक्त मार्स डाटा को थॉरली स्टडी किया है, टाइको ब्रायन ने वो दिया था, ही वाज अ प्रिंस, उसके पास डाटा था, तो ही अपॉइंटेड केपलर, और 10 साल के पीरियड में उन्होंने 3 लाख दिए हैं, जो उनके बुक एस्ट्रोनोमिया नोवा में है या पब्लिश। तो उसमें एक आइडिया उन्होंने ये दिया, जो कि ट्रू भी है, कि जो ट्रेजेक्टरी है प्लानिट्स की वो सर्कल नहीं है, यह इलिप्टिकल है। दूसरे उन्होंने कॉन्स्टेंट एरियल स्पीड की बात की, वो मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट आज हम समझ रहे हैं दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट लास्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोपरनिकस भी और हमारे शास्त्रों में भी जहां मैंने पढ़ा है, हम कॉन्स्टेंट स्पीड ज्यादा मानते हैं ग्रंथों में, कि जो ये प्लैनेट्स है व्हाट एवर स्पीड दे हैव बट दे मेंटेन देयर स्पीड, बट ही सेड नो, स्पीड का यानी स्पीड का मतलब है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम मतलब वो लगा रहा है, तो वो टाइम जो है जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, उसका जो उसका पाथ का डिस्टेंस है यानी सन के साथ दूरी है, टेक्निकली हमें उसका मिनिमम और ये मैक्सिमम दूरी का एवरेज लेना होता है, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यदि ये टी स्क्वायर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता तो स्पीड कांस्टेंट थी। और ये कहीं है, ये सब चीजें लिटरेचर पे अवेलेबल हैं, कि दिस लॉ वर्क्स वेरी वेल ऑलमोस्ट फॉर ऑल दी प्लैनेट्स। और ये उसके लॉज को हम कहते हैं एम्पिरिकल, क्योंकि उसने डाटा स्टडी किया, उसको ये नहीं पता है डायनेमिक्स क्या है। सच बताऊं तो ये वाला लांछन हमारे ऊपर भी आएगा कि इतना महत्वपूर्ण काम करने के बाद भी भास्कर के पास भी हम काइनेमेटिक्स में सक्सेसफुल है, और वो आज भी सक्सेसफुल है। यानी एक्लिप्स कब होगा, जब हमारे आज के जो यानी संस्कृत के एक्सपर्ट और ज्योतिष शास्त्र के एक्सपर्ट कैलकुलेशन करते हैं अप टू सेकेंड, वो नासा से मिलती है।
यदि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो हम अभी भी काइनेमेटिक्स पर ही बात कर रहे हैं. डायनेमिक्स मीन्स व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उस पर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं. ये भी मैं सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देखें क्या कुछ डायनेमिकल फैक्टर के इंडिकेशन भी हैं या नहीं, ये भी चीज विचारनी है. तो लेकिन वो जो हमें थोड़ा थोड़ा इशारा जो है, ये गैलीलियो और न्यूटन के वर्ग में, क्या न्यूटन ने तो एक्सपेंड किया ही किया है कि गैलीलियो गेव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड ही आल्सो शोड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि फिजिक्स का सबसे बड़ा आधार एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी उसके बाद आती है, और थ्योरी का मैक्सिमम काम जो है मैथमेटिक्स ही कर रहा है. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमें फिजिक्स में करनी है. तो गैलीलियो शोड दैट ग्रेविटी caused all objects to fall to earth at the same rate. This was very important, क्योंकि उससे पहले हम ये देखते हैं पत्ता धीरे धीरे गिरता है, जो है वो जो यानी स्टोन का टुकड़ा हम ऊपर से फेंगे तो वो ये जल्दी गिरता है, बट ही शोड इट. और आज हम समझते हैं क्योंकि बीच में एयर जो है रजिस्ट करती है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थी कि जो टाइम ऑफ फॉल है सभी के ऑब्जेक्ट्स का सेम ही होना चाहिए, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्यों. वो काम न्यूटन ने किया, क्योंकि न्यूटन ने के पास कैपलर के तीनों लॉज थे, उसके पास गैलीलियो का इनर्शिया का कंसेप्ट था, ये ऑब्जर्वेशन भी थी, और विद इन ईयर और टू जब वो 26 साल के प्लेग का जो टाइम था उस टाइम में एकांत मास में उन्होंने मुख्य काम अपना फिजिक्स की जो कंट्रीब्यूशन दी है रफली 80% उस वक्त कर दिया था. ये जो चीज अभी लक्ष्मण पांडे जी ने पढ़ी, इन द यूनिवर्स विद ए फोर्स that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये जो important formula है जो दिया है, यहाँ से हमें पहली बार कम से कम physics के जो हमें पढ़ाई जाती है उसमें formula मिल रहा है. However, ये formula इतना powerful रहा है कि हम इसको सभी प्लानिटरी मोशन को अच्छी तरह समझ पाए, और जो नेपच्यून की जो आइडिया है वो भी किसी ने यूरेनस के ऑब्जर्वेशन में कुछ कहीं डिस्क्रिपेंसी देखी और उसे कहा कि भी कहीं ना. सो दैट शोज द पावर ऑफ न्यूटन्स फार्मूला. हाउएवर आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी जनरल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई है जो कि ग्रेविटेशन के लिए है. दैट इज रिक्वायर्ड वेयर एब्सोल्यूट प्रिसीजन इज डिजायर्ड, क्योंकि न्यूटन के केस में सब कुछ होते हुए भी मर्करी की मोशन में हल्की सी डिस्क्रिपेंसी थी 40 seconds ऑफ आर पर ईयर. उसको आइंस्टाइन ही अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ले पाए. बट मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमें अभी भी प्रॉपरली पता नहीं है फोर्स क्या है, कहां से हो रही है और वो क्या क्या काम कर रही है. न्यूटन कहता है फोर्स है और उसका ये फॉर्मूला, आइंस्टाइन साहब ने इस कंसेप्ट को ही रिप्लेस कर दिया है. वो कहते हैं कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, कर्वेचर इन स्पेस टाइम है, यानी किसी पदार्थ की उपस्थिति से जो स्पेस टाइम है इट गेट्स कर्व्ड. अब जब वो कर्वेचर हो ही गया है तो आप उसको कैसे कहेंगे कि कोई सर्कुलर मोशन में जाएगा, नहीं जाना ही पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही नहीं रही. तो ये छोटे से पिक्चर में मैंने कोशिश किया दिखाने की यहाँ पर. तो ये वाला मुद्दा है, इसको मैं दोबारा से भी उठाऊंगा. अब मैं फिर कुछ मित्रों से ये चीजें शेयर कर भी रहा हूँ और कुछ बार मेरे पिछले टॉक में क्वेश्चन भी पूछे गए थे उसको भी बीच में लिया है. तो यहाँ हमें दिखता भी है कि ये विशेष्य का महत्व क्या है. सबसे पहले तो फिजिक्स का आधार एक्सपेरिमेंट थ्योरी है, जैसे मैंने बोला है, और हम इसको जानते हैं. फिजिक्स बेसिकली क्या है, सिंपलेस्ट टर्म में इट इज स्टडी ऑफ स्पेस टाइम एंड मैटर. मतलब क्या हुआ कि इट इज स्टडी ऑफ मोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन मैटर विच आर अकरिंग इन स्पेस एंड टाइम. सो दिस इज द थिंग. ऑब्वियसली इसमें दो क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, व्हाट इज सब्सटेंस, मैटर क्या है. लगता है सब कुछ हमारे सामने है तो दिख तो रहा है, मैटर्स क्या है, इससे नहीं काफी होने वाला है, हमें इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा. जो आज हम मॉलिक्यूल्स एटम से होते हुए और क्वार्क्स तक भी पहुंच रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर. के आफ्टर ऑल मैटर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते जैसे मैंने पिछले टॉक में भी कहा था, आज लग रहा है सब्सटेंस है ही नहीं, मगर फिर भी ये आज की स्टडी है और ये शायद हमें वेदांत में जाके मिले तो मिले, उससे पहले नहीं है ये मिल रही है. संख्य थोड़ा सा स्टेप देता है बीच में. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर स्पेस टाइम, और मैंने फिर मैं यहाँ मित्रों को याद कराऊंगा, बहुत लिटरेचर हमें ईस्टर्न ग्रंथों में भी मिलता है,
वेस्ट में ट्रेमेंडस लिटरेचर है आज भी जो हम साइंस में पढ़ते हैं, उसके बाद भी डू वी अंडरस्टैंड स्पेस एंड टाइम फाइनली? प्रॉब्ली नो. सो मगर खूबी यह है कि फिजिक्स के लिए जो दो तीन महत्वपूर्ण इशू हैं वो हमें विशेषक में स्टडी किए हुए मिलते हैं. विशेषक इज कंसर्न अबाउट सब्सटेंस, ये द्रव्य जिसको कहा गया वो है क्या आफ्टर ऑल, उसको जानने की कोशिश कर रहा है और परमाणु का सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव भी मान रहे हैं, तो वो काफी हद तक फिजिक्स के साथ पैरेलल चल रहा है. तो रूट समय में मिलती हैं, मगर आगे के जो दूसरे दर्शन ग्रंथ हैं वो इसको उठाएंगे कि क्या स्पेस टाइम ऑब्जेक्टिव है भी या नहीं. वो कहेंगे नहीं है, वो हम सांख्या वेदांत में जाके देखेंगे. हाउएवर फिजिक्स में दो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, एक है 1900 से पहले की, दूसरी है 1900 के बाद की. 1900 से पहले यानी 1600 से रफली हम कह सकते हैं 1900 तक हमने फिजिक्स को डेवलप होते देखा है. मैथमेटिक्स इज द टूल, कैलकुलस इज द टूल. इसने फैंटास्टिक काम किया है टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ वेव्स एंड मोशन ऑफ फील्ड्स आल्सो, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. बट इन तीनों को सेपरेट माना गया है, ये तीनों अलग अलग हैं, इनका कोई आपस में ओवरलैप या जुड़ाव नहीं है. थोड़ा सा हमें वेव और फील्ड में मिलता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाते हैं. दूसरी बात यह है कि क्लासिकल फिजिक्स में केवल दो ही फोर्सेज नोन है, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ग्रेविटी का मीनिंग हमें कहीं ना कहीं अपने ग्रंथों में भी दिख रहा है, और शायद यदि मैं अगस्त संहिता वाले ग्रंथ को सीरियसली लूं, और मुझे उसका ज्यादा नहीं पता, शायद हमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का भी जरूर पता था, क्योंकि मैग्नेटिज्म को प्रैक्टिकली तो यूज बहुत सारे मंदिरों में भी किया गया और भी जगह पर किया गया. और खुद यह विशेष में एक जगह वर्णन आता है जहाँ वो अदृष्ट की बात करते हैं, वहां वो चुंबक के द्वारा किसी एक लोहे के पीस का आकर्षण को भी उसी कैटेगरी में डालते हैं कि पता नहीं क्या है, उसको अदृश्य कहके वहां पर मेंशन एक्चुअली किया गया है. बट वी वर सर्टनली अवेयर ऑफ एक्चुअली मैग्नेटिज्म, बट थ्योरी हमारे पास उतनी नहीं है. खास बात यह है कि ये दोनों फोर्सेस का एक महत्व है, ये दोनों फोर्सेस का रेंज इन्फिनिटी है, मतलब ये शॉर्ट रेंज नहीं है. ये कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट्स हों ग्रेविटी और यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम करती हैं, दैट इज द ब्यूटी. इसलिए वो जल्दी हमारी निगाह में ऑब्जर्व भी आए. तो एक तरफ मैं मित्रों का ध्यान यहाँ लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि गुरुत्व फोर्स कहीं ना कहीं हमें पता थी पर उसके फॉर्मूले ना भी पता हूँ. इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का भी हमें अंदाजा था, फॉर्मूले नहीं है, वो हमें यानी ढूंढने हैं यदि हम सोचते हैं कि हम लोगों ने काम किया है. वेस्ट में भी 1900 पहले सिर्फ ये दो फोर्सेज ही थी. 1900 में जो डिस्कवरीज हुई हैं और जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सामने आए हैं उसमें क्वांटम फिजिक्स को जन्म देना ही पड़ा. उसमें मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग, डिराक और श्रोडिंगर और बहुत सारे लोगों का, डी ब्रॉली योगदान है, बोहर का ओवर एंड अबव, आइंस्टाइन का भी है. तो उसके कारण 25-30 साल में जो क्वांटम थ्योरी बन पाई उसने वर्ल्ड व्यू एंटायरली चेंज कर दिया. उसके अंदर दो मुख्य रोल हैं जो हम उसमें फाइनली कंक्लूड करते हैं. एक तो उसने दो नई फोर्सेस को प्रकट किया जिसको हम आज न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स बोलते हैं. ये दोनों फोर्स वेरी शॉर्ट रेंज में है, यानी यदि हमें पता है कि एटम के अंदर नाभिक है तो नाभिक के अंदर यानी नाभिक से भी छोटे छोटे डिस्टेंस पर ही ये दो फोर्सेस काम करती हैं. और दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण था कि क्वांटम फिजिक्स ने हमें ये पढ़ाया कि सिस्टम्स हैव ड्यूअल बिहेवियर. जैसे हम बच्चों को 11वीं क्लास में करा देते हैं कि लाइट हैज ए ड्यूअल करेक्टर, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो सिद्ध हुआ था कि लाइट वेव है 1835 के आसपास, और उसके बाद झगड़े फिर दोबारा से खड़े हो गए अपना पार्टिकल बिहेवियर. बच्चे भी रट लेते हैं, हम भी चुप हो जाते हैं. मित्र ने पिछली बार पूछा था ये क्वेश्चन नाद और बिंदु, वो मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ कि जो तंत्रिक फिलोसफी में नाद और बिंदु का महत्व दिया गया है वो काफी हद तक वेव एंड पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है. और इसका एक डायमेंशन हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ रहे हैं, ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि लाइट वेव जो कलर लाइट, बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट का जो स्पेड वो वायलेट से पहले अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे भी है, और रेड के बाद इन्फ्रारेड हीट रेज और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स भी हैं. तो हम देखते हैं कि
इन सब में आइडेंटिफिकेशन है, सेम इनका कंपोजिशन है, फर्क सिर्फ है कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी का फर्क क्या है। तो जब फ्रीक्वेंसी हाई है तब हम देख रहे हैं कि पार्टिकल करेक्टर डोमिनेट करना शुरू कर देता है, जब हम लो फ्रीक्वेंसी रिजीम में जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि वेव एस्पेक्ट वहां ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जबकि सभी फ्रीक्वेंसी के जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है, उसमें वेव पार्टिकल बिहेवियर साइमल्टेनियसली है। तो कहीं ना कहीं हमें नाद बिंदु वाले कंसेप्ट को एलोबरेट किया जा सकता है सेपरेटली, प्रोबेबली इस पर भी किसी टॉक की जरूरत है, कोई मित्र देंगे भी, बट यहाँ कुछ कनेक्शन हमें क्वांटम थ्योरी में दिखता है। एक और कनेक्शन भी है, क्योंकि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो शुरू में आई है वो 1900 के आसपास प्लैंक ने उसकी बात की है, दी थ्योरीज ऑफ फिजिक्स, उसमें हमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को फील्ड पार्टिकल ड्यूअलिटी से रिप्लेस करना पड़ रहा है, और उसका इशारा यदि हम समझे एग्जैक्टली तो सेम चीज नहीं है, बट हमें पैरेलल थॉट संख्या में मिलता है जहां आकाश और तन्मात्राओं की बात की गई है, क्योंकि जब तक सत्व और रजस का जो जब तमस उसके अंदर उठने लगता है, डोमिनेट करने लगता है, तब डिस्क्रीटनेस आने लगती है, जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तन्मात्रा है। इसको मैं संख्या वाले टॉक में यदि मुझे टाइम मिला आज या बाद में कभी लूंगा। तो क्वांटम फील्ड थ्योरीज की खूबी क्या है कि इन्होंने वेव पार्टिकल और फील्ड को इंटेग्रेटेड करके जो थ्योरी दी है, ऑलमोस्ट पूरे की पूरी फिजिक्स का कंसेप्ट और मैथ एक सेंस में क्वांटम फील्ड थ्योरी में आके यूनिफाई हो जाता है। अब इन फोर्सेस का रोल क्या है, उससे पहले मैं आपको फिर याद करा दूं कि पूरी की पूरी फिजिक्स और उसी के साथ आज का टॉपिक भी कनेक्टेड था कि फोर्स है वो चेंज इन मोशन प्रोड्यूस कर रही है। वही हमारा न्यूटन लॉ भी है जिसमें हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज द आउटकम ऑफ फोर्स, सो फोर्स इज बिहेविंग लाइक कॉज एंड एक्सेलरेशन इज इट्स इफेक्ट। मगर जो इसको कनेक्ट करने वाला मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज वंस यू नो पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, न्यूटन लॉ क्लेम दैट यू नो द फ्यूचर एंड पास्ट ऑफ दैट बॉडी टोटली वेल। इट मीन्स क्लासिकल डिटर्मिनिस्टिक कॉजालिटी को फॉलो कर दिया जहां फ्री विल का कोई स्कोप नहीं है। दूसरे वो ऑब्जेक्टिव है, मींस जो ये मान के चल रही है कि ऑब्जर्वर का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट उस पर रियलिटी पे नहीं है, सो वन कैन ऑब्जर्व रियलिटी इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑब्जर्वर। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है जो ही हम क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे, और शायद हमने पिछली मीटिंग में थोड़ा सा इसको छुआ भी था। क्वांटम फिजिक्स की खूबी क्या है कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो कॉमन सेंस बेस्ड माइंड से बनी है, तो जो कॉमन मैन को एक्सेप्टेबल है, बट जब हम इंट्रिकेसीज में गए, डिटेल में उतरे, हमने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, एटॉमिक बिहेवियर को समझने की कोशिश की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को समझने की कोशिश की, तो अपेरेंटली इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लासिकल लॉज नहीं फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्वांटम फिजिक्स को जन्म देना पड़ा। जो ही वो आए कई समस्याएं खड़ी होगी, क्योंकि जो ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल है उसने खड़ा कर दिया, और टेक्निकल एक टर्म इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेव फंक्शन सुपरपोजिशन, उसने भी नए क्वेश्चन खड़ा कर दिए, क्योंकि क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जबकि वो कॉजल है लेकिन उसने प्रोबेबिलिस्टिक जो फेस है एक्वायर कर लिया है। मतलब क्वांटम फिजिक्स कहती है कोई भी क्वांटम सिस्टम साइमल्टेनियसली मैनी पॉसिबल पाथ इन टाइम में इवॉल्व हो सकता है और होता है, और उसके होने की कैलकुलेबल यानी प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलते हैं। दिस इज द की इक्वेशन, एनीवे इट इज रिप्लेसमेंट इवेंट को घटते हुए देखना है, जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं है वो सभी संभावनाओं में ग्रो कर रही है, टाइम में वो उठ रही है, चेंजेस आ रही है, लेकिन कॉन्शियस ऑब्जर्वर चाहिए ताकि इवेंट सेवरल पॉसिबिलिटीज में से घट रही है वो हमें उसको देखना चाहे उसको देख पाए। कब क्या घटेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेबल है, ये यानी प्रोबेबिलिटी हमारी अपने मैथमेटिकल इनकॉम्पिटेंस नहीं है, नेचर। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स जो है कॉन्शियसनेस को अलाउ कर रही है एंटर करना, जबकि हम इसको फॉर्मली आज तक क्या जगह दे नहीं इसको कर पाए हैं। लेकिन एक फायदा तो जरूर हुआ है
क्योंकि हम अच्छे तरह जानते हैं फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी प्लेन पे जो भी है वो हमेशा एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर को बढ़ाएगा। सिर्फ लाइफ है जो ऐसा फिनोमेना है जो ऑर्डर क्रिएट करता है, इट मीन्स कॉन्शियसनेस, चाहे वो प्लांट लेवल पे हो, चाहे वो एनिमल पे हो, चाहे वो ह्यूमन यानी लेवल पे हो। तो कॉन्शियसनेस ने आकर के हमारे बहुत सारे सेट पैटर्न को चेंज करना है। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे पास कोई फॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है जिसके माध्यम से हम इनको ले पाए। अभी मैंने जिन चार या फोर्सेस की बात की थी तो मैं सभी फ्रेंड से ये शेयर करना चाहूंगा कि ये चार फोर्सेस, एंड इट इज क्वाइट अ रिलायबल स्टेटमेंट, ऑल द नॉन प्रोसेसेस अकरिंग इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल एटॉमिक पार्टिकल लेवल टू एक्स्ट्रा गैलेक्टिक लेवल कैन बी अंडरस्टूड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ वन और मोर ऑफ दीज फोर फोर्सेस। ग्रेविटी क्या करती है? इट इज इनफिनिट रेंज, इट इज असेंशियल फॉर बाइंडिंग यूनिवर्स एज ए होल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इट आल्सो हैज इनफिनिट रेंज, इट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एंड इन टर्न जो बहुत सारी फोर्सेज अभी हम ये विशेषिक में पढ़ रहे हैं, हाथ ने रोका हुआ है, इलास्टिक फोर्सेज की बात हो रही है, बट आज हमें फिजिक्स में अच्छी तरह क्लियर है कि जितनी वैरायटी ऑफ फोर्सेज हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, फ्रिक्शन है, मस्कुलर है, रेजिस्टेंस है, इलास्टिसिटी है, केमिकल फोर्सेज हैं, एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल बायो सिस्टम्स, वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही गवर्नड है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है बट ये ट्रू स्टेटमेंट है अनलेस हम स्पिरिचुअल डोमेन में उतरना चाहें। थर्डली जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेज हैं जिनका रेंज बहुत ही कम है, न्यूक्लियर साइज से भी कम है, वो हमें चाहिए क्वार्क्स को हेड्रॉन्स यानी प्रोटॉन्स वगैरह बनाने में, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के न्यूक्लियस वगैरह बनाने में, और बहुत सारे आपके जो स्टेलर प्रोसेसेस हैं वो भी इन्हीं फोर्सेज से गवर्नड है। फाइनली जो वीक फोर्स है उसका भी शॉर्ट रेंज है, वो कोई सिस्टम बाइंड नहीं करती है, वो केवल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन करती है। सो इट इज वेरी एसोटेरिक, इट इज वेरी आई मीन चैलेंजिंग। मेरा अपना जो रिसर्च एरिया है वो वीक इंटरेक्शन फिजिक्स पर ही है कि हाउ वन पार्टिकल बिकम समथिंग डिफरेंट, वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज हो रही है वो वीक फोर्सेज के कारण हो रही है। बट जो हमें वेदांत में थीम मिलता है वो हमें यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये फोर्सेज टेम्पटेशन रही है शुरू से ही कि हम इनको काश यूनिफाई कर पाए। उसके दो उदाहरण मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि फर्स्ट तो न्यूटन ने हमें ये सिखाया कि जो सेलेशियल ग्रेविटी है और जो टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी है वो एक ही फोर्स है, तो उसने यूनिफिकेशन की तरफ चल पड़ा। दूसरा मैक्सवेल ने 1865 में फॉर्मूले दिखाया गया, इशारे पहले भी थे, एक्सपेरिमेंटल थे, उसने थ्योरी बना के दिया जिसको हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसमें उन्होंने बता दिया और दिखा भी दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म जो अलग अलग फोर्सेस हम मानते रहते हैं वो एक ही हैं, एक ही फोर्स के दो पहलू हैं, और उसकी यूनिफिकेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस मिला। ही कुड शो दैट ऑल ऑफ ऑप्टिक्स यानी जो लाइट का बिहेवियर है वो यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सिक्वेंस है, बट इट वॉज क्लासिकल। हाउएवर जब यही थ्योरी क्वांटम फील्ड थ्योरी बन करके क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बनी, जिसका मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ कि हम आज इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को 14 डेसिमल तक अच्छी तरह समझते हैं थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल साइज पे, सो इट हैज बीन नॉट ओनली मोस्ट सक्सेसफुल, इट हैज एक्टेड एज अ रोल मॉडल टू डेवलप क्वांटम फील्ड थ्योरीज ऑफ अदर फोर्सेस पर्टिकुलरली स्ट्रांग एंड वीक। तो 1967 में अब्दुल सलाम, ग्लेशो एंड वाइनबर्ग ने वीक फोर्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ जब उसको यूनिफाई किया है, उसका नाम हम इलेक्ट्रो वीक थ्योरी बोलते हैं, विच हैज बीन वेरी सक्सेसफुल एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। 1985 में जब एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स थ्योरी बन गई थी, विच इज अगेन ए क्वांटम फील्ड थ्योरी, 1972 में 13 साल के बाद जॉर्जी एंड ग्लेशो फिर मैदान में उतरते हैं, दे कुड यूनिफाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस विद एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑल टुगेदर, विच वी कॉल ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ये प्रोमिसिंग है बट अभी तक इसका एक्सपेरिमेंटल यानी सिग्नेचर नहीं है, बट एनीवे ये थीम ऑफ यूनिफिकेशन है क्वांटम फील्ड थ्योरीज का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मेजर प्रॉब्लम और बहुत सीरियस प्रॉब्लम आज भी वो है, वो ग्रेविटी की है। जैसे मैंने बोला है कि न्यूटन लॉ ग्रेविटी से शुरू करके जो 1/8 का फार्मूला है, हम आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर पहुंचते हैं, उसने उसको मिला करके फैंटास्टिक रिजल्ट दिए हैं, बट वो टेम्परमेंटली स्टिल क्लासिकल है, उसमें क्वांटम डोमेन नहीं है।
तो 1935 से लोग कोशिश कर रहे हैं ग्रेविटी को क्वांटम फील्ड थ्योरी बनाने के, और वो फेलियर है सो फार। दो आइडियाज बहुत हैं, काम भी हो रहा है, प्रोमिसेस भी हैं, बट पक्का नहीं है। सपोज वन डे हम ग्रेविटी को क्वांटम ग्रेविटी बना पाए या कुछ और अल्टरनेटिव देख पाए, या कम से कम इन चारों को हम एक साथ कर पाए, तीन तक हो गया है, उसके इम्पोर्टेंट यानी चीजें भी सामने आ रही हैं, इंडिकेशंस भी हैं, लेकिन ग्रेविटी को जिस दिन कर पाएंगे तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनेगी, टो और कॉस्मोलॉजी उसके अंदर फिट इन होने लगेगी। इसको हम बहुत अच्छे ढंग से इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम यूरोबोरोस ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, जिसने माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म को एक जगह ला करके रख दिया। इट वॉज डिजाइन बाय ग्लासो, यू सी इट इज जस्ट ए पिक्चर ऑफ ए स्नेक हुज टेल इज इन इट्स ओन माउथ। सो हियर यू से द डोमेन ऑफ मैक्रोकॉस्म है और हियर इट इज द डोमेन ऑफ मैक्रोकॉस्म। ये ह्यूमन ये लेवल की स्केल है, तो छोटे लेवल की वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक यानी गैलेक्टिक यूनिवर्सल लेवल की फिजिक्स और ह्यूमन डोमेन की फिजिक्स, ये तीनों एक साथ डोमेन इकट्ठा हो जा रहा है। और यहाँ ये पता चल रहा है कि ये डोमेन हमारा जो डोमेन है जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से डोमिनेटेड है, ग्रेविटी जो है वो यूनिवर्सल स्केल पे ज्यादा काम करती है और शॉर्टर डिस्टेंसेस पर ये वीक स्ट्रॉन्ग और ग्रेनाइट थ्योरी आने लगती है। तो समवेयर हियर वी होप सम डे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होगी। तो जो वेदांत में हमें यूनिफिकेशन का आइडिया दिखता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिट फॉर्म है, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ फिजिक्स टुडे। बट एक क्वेश्चन जो सबके लिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ जानबूझ के, मैंने शेड डाली और मैंने बहुत हिम्मत की है मैथमेटिक्स को टोटल कट ऑफ करने की, ताकि मैं आइडिया को दे पाऊँ मैथमेटिक्स के बिना, बट मित्र लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कभी उसकी बात भी कर लेंगे। डू वी रियली नो व्हाट इज फोर्स, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैं दो कारणों से कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है फोर्स की बात हम देख रहे हैं, विशेषिक में भी देख रहे हैं और जगह भी देख रहे हैं, बट वो क्या एक्सप्लिसिटली वो फोर्स है जो हम यहाँ पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं? नहीं। और इवन विद इन फिजिक्स आई हैव हम्बली एडमिट कि आज की डेट में भी हम फोर्सेस को प्रॉपरली नहीं समझते हैं कैसे मैनिफेस्ट कर रही है। सो लेट मी शो यू द स्टेजेस किस प्रकार से फोर्स के साथ डीलिंग हो रही है। न्यूटन एंड कूलम ने इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात की थी और ये न्यूटन ने ग्रेविटी की, उन दोनों ने हमें मिलता जुलता फॉर्मूले दे दिए, बट दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें नहीं पता, नो एक्सप्लेनेशन फॉर एक्शन एट ए डिस्टेंस। देखो सन कितने दूर है अर्थ को और हमें भी वो प्रभावित कर रहा है, मून कितने दूर है हमारे सूत्रों को प्रभावित कर रहा है, इसको एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा गया है कि फोर्स कैसे कर रही है काम। न्यूटन एंड कूलम दोनों हम्बल थे, उन्होंने फार्मूले देके छोड़ दिए और वो फार्मूले कामयाब है, बिल्कुल काम करते हैं। ये बातें 1600-1700 की हैं। 1825 के आसपास फैराडे ने इस क्वेश्चन को हिलाया और पहली बार फील्ड को एक मीडिएटर की तरह उसने कहा है कि फोर्स जो एक जगह से दूसरे जगह पर मैनिफेस्ट हो रही है, एक सोर्स से दूसरे बॉडीज पर जा रही है, कैसा काम कर रही है, सम मीडिएटर इज रिक्वायर्ड, बीच में माध्यम चाहिए, बंदा कोई कुछ चाहिए, और वो उसने आइडिया दिया, वो ये वंडरफुल आइडिया है। मतलब यदि मैं ग्रेविटी के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो सूरज या किसी भी बॉडी के चारों तरफ अप टू इन्फिनिटी एक ग्रेविटेशनल फील्ड उपस्थित हो जाता है, जो जो चीज भी उस फील्ड में आएगी वो उससे प्रभावित होगी। वो मैथमेटिकली हमने ऑलरेडी देख लिया वन आवर आर्ट्स के, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है 1825 में फैराडे वाज रियली अ जीनियस, उसने अपनी डायरी में कहीं ये बात लिखी है कि आज मैंने लोगों को मित्रों को फील्ड का आइडिया देके भेज तो दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है जो फोर्स मैनिफेस्ट हो रही है वो किसी एक्सचेंज के कारण हो रही है, कुछ दो बॉडीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है मुझे नहीं पता और शायद टाइम अभी भी नहीं आया है कि मैं एक्सचेंज की आइडिया की बात करूं। 1825 से 1950 125 साल के बाद जो क्वांटम फील्ड थ्योरीज हैं, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हैं, उन्होंने प्रिसाइजली हमें यही बताया। वो कहते हैं कि एक चार्ज फोर्सेस दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स हो रही है इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्टन क्वांटा, यहाँ पर्टिकुलरली फोटोन है, कि दो चार्जेस के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे ही हम होप कर रहे हैं कि ग्रेविटी के केस में भी ग्रेविटोन एक्सचेंज हो रहा है, बट कम से कम ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ पोसोन, फैंटास्टिक है और आज के डेट में वो मोस्ट यानी सक्सेसफुल है। उसका एक एडवांटेज हुआ है, क्वांटम थ्योरी से पहले फोर्स जो थी वो वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ मैटर थी,
क्वांटम फिजिक्स के बाद आज के लाइट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, कि आज के डेट में क्वांटम थ्योरी हमें कन्विंस कर दिया है कि फोर्स का उतना ही फंडामेंटल स्टेटस है जितना के मैटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से लीजिएगा और देखिए कि फैराडे की इंट्यूशन कितने काम कर रही है, जो 125 के बाद फॉर्मली कन्फर्म हो रही है, और ये थ्योरी वही थ्योरी है जिसके एक्यूरेसी से 14 डेसिमल प्लेस तक है, मगर क्या हम फोर्स को समझ गए? नहीं, कहते हैं ग्रेविटी फोर्स है ही नहीं, फोर्स डजंट एग्जिस्ट, ये तो स्पेस टाइम मैट्रिक्स जिसके अंदर मैटर है उसके कर्वेचर की मैनिफेस्टेशन है। तो फोर्स को कंप्लीटली डिनाय करके रिप्लेस कर दिया गया है विद द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरी, इफ यू आस्क मी व्हाट इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन फिजिक्स आई विल से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड इट इज अगेन नॉट ओनली इट्स कंफर्मेशन हैव बीन मेड थोरली फैंटास्टिकली, this reveals quite a lot about origin and development of the universe, particularly expansion of universe is one of the prediction of Einstein theory of relativity. khatra kya hai, khatra ye hai ki jo unification unko ye kehna pad raha hai ki yadi hum higher dimensional space theory hame yahan lani padegi usme hum yadi successful ho gaye जैसे आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को छक्का मार करके स्पेस टाइम की बात कर दिया, शायद दूसरी फोर्सेस भी वही हों। इतनी लंबी और सक्सेसफुल प्रोग्रेस के बाद भी आज ये स्टेटस है। इस पर ये अभी छोटा सा कमेंट और है कि जो मिस्ट्री ऑफ वैक्यूम है, मे भी मैं इसको कभी और लूंगा। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है रिचर्ड फेनमैन साहब की, वो कहते हैं वी आर नॉट टू टेल नेचर बट शी इज गॉट टू बी, कितना कंफ्यूजिंग हो कितना मिसलीडिंग हो, इन स्पाइट ऑफ ग्रेट यानी प्रोग्रेस हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, शी हैज ऑलवेज गॉट बेटर इमेजिनेशन देन वी कैन हैव, दिस ब्यूटीफुल लाइन। सो इस लाइन के साथ में चलता, मुझे अशोक जी टाइम बताएंगे, मैंने ऑलरेडी काफी ले लिया है शायद। हाँ जी, हाँ काफी ले लिया, बल्कि मैं रिक्वेस्ट ही करने लगा था कि विद इन 5 मिनट सर यू हैव टू वाइंड अप, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, क्योंकि अभी कुछ कमेंट भी चाहिए कि ये मैंने फिर जस्ट फॉर सम न्यू फ्रेंड्स के हमारे जो सोर्सेज हैं भारतीय दर्शन का, हमें पता है वेदों में है, उपनिषदों में है, और छह दर्शन हमारे जो हैं और छह वैदिक दर्शन हैं उन सब से मिला हुआ है। ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो जो वेद को प्रमाण मानता है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा एटसेट्रा, ऐसे ये जैन बुद्धिज्म तंत्र चार्वाक स्कूल है, इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन है, इन सभी पर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बिखरा हुआ है थ्रू कमेंट्रीज, एंड दे हैव देयर ओन सब स्कूल आल्सो। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीड्स हैं हमें क्रिएशन और ये डिसोल्यूशन के, प्रलय के, सृष्टि के, ऋग्वेद में बहुत अच्छे ढंग से मिलते हैं, हिरण्य गर्भ सूक्त और नासदेह सूक्त तो फैंटास्टिक है, और मैसेज उसमें ये है कि पूरा यूनिवर्स सर्टन लॉ से गवर्न है विच कैन नेवर बी वायलेटेड, और साथ ही उन्होंने कॉस्मिक यानी एनर्जी का उनको जनरेशन शुरू हो गई थी। पहला एलिमेंट आप हमें यानी प्राइमल वाटर, जिसको कुछ लोगों ने सत्य प्रकाश जी ने उसको ओरिजिनल प्लाज्मा तक की बात किया उसके माध्यम से अपने ऋग्वेद के ट्रांसलेशन में, और वहां में ऋग्वेद में प्रलय के आइडिया भी मिलते हैं कि एवरीथिंग व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड क्रिएटेड मस्ट रिटर्न टू द सोर्स जहां से वो आई है। फिर उपनिषदों में जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती हैं, जहां अर्थ वाटर एयर ईथर या सत्य या असत बीइंग और नॉन बीइंग को सोर्स की तरह माना गया, या बायो साइकी प्रिंसिपल लाइक लाइफ फोर्स को भी लिया गया एज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और ये थ्योरीज ही हमारे आधार हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, श्वेता आश्रम बता रहा है कि पीपल वर ओपन, दे वर डिस्कसिंग, दे वर सजेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज, या तो टाइम है या नेचर है या नेसेसिटी है या चांस है या एलिमेंट्स है या पर्सन है या सेल्फ है या ब्रह्म है, शायद वह सोर्स है सभी का। तो दैट शोज पीपल वर डिस्कसिंग दीज इशूज, और हमें उपनिषदों में क्लियर कट जो पहले का वर्णन भी मिलता है, मुंडक उपनिषद इसमें बात करता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स ऑल थिंग्स रिटर्न under their respective sources, और ये एक जगह नहीं है, ये आइडिया ऑफ क्रिएशन
आइडिया ऑफ जो यानी पढ़ रहा है, दोनों हमें डिफरेंट उपनिषदों में दिखते हैं। ये चीज थी जहां हमारा आकर के मैं रुक जाता रहा हूं कि ये जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं फिजिकल वर्ल्ड की, जो प्लूरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अराउंड 9 को आधार माना गया है, जिसमें हमें सबको पता है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, दिक और काल और मन और सेल्फ जो आधार माने गए हैं। ये विशेषिक इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दैट व्हिच गोज इन क्वाइट डिटेल, न्याय, मीमांसा, जैन, हीनयान, दर्शन एंड चार्वाक इसको सब्सक्राइब करते हैं विद देयर ओन एक्चुअली चेंजेस एंड एक्सप्लेनेशंस। दिस 9 एलिमेंट्स कुड बी रिड्यूस्ड टू 2 इन ड्यूलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, जिसका फैंटास्टिक हमें जो डिस्क्रिप्शन संख्या में मिलता है, और योग और तंत्र भी उसके साथ उसको सपोर्ट करते हैं। सो 9 एलिमेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू 2। वेदांत उठा करके हमें नॉन ड्यूअल डिस्क्रिप्शन पर ले जाता है और अपने ढंग से वो बहुत गहराई में चलता है, और हम जैसे देख चुके हैं कि ऑलरेडी वो क्वांटम की तरफ हमारी जो इसकी वननेस है वेदांता की और क्वांटम यूनिटी जो है वो मोर और लेस एक जैसी दिखती है, और इसको कश्मीरी शैविज्म और महायान भी थॉरली सपोर्ट करते हैं। सो देयर आइडियाज बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रॉस मैटर इन टर्म्स ऑफ फ्यू elements, combining them to 2 and finally to the unity. That is the beauty of Bhartiya Darshan. And just like that, this is just my sheet pass through. This is what we have already discussed about. That 5 element theory, we get in Upanishads, and Karnal has thoroughly given description. And especially the school has its good. It has an objective universe. 9 elements और एटॉमिक थ्योरीज की बात किया और एक डिटेल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी दिया है। तो इसको मैं क्विकली जंप करूंगा। वी ऑल नो द 6 कैटेगरी, आशुतोष जी ने टॉक के बिगनिंग में ये बात कही भी है और आज भी उसमें लिखी हुई है। फिर इसके फीचर क्या है, इसमें 9 एलिमेंट्स क्या है, उसको हम इस ढंग से देख सकते हैं। कुछ डिस्क्रीट है, कुछ कंटिन्यूम है, मोस्टली इटर्नल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली कंपोजिट है, दे आर नॉट इटर्नल, तो वो अल्टीमेटली टूटेंगे। तो ये फिर कुछ इसमें से जो एलिमेंट मेटेलिस्टिक हैं, कुछ नॉन मेटेरियल हैं बट फिर भी डिस्क्रीट हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से चार्ट हमने डिस्कस किया था पिछली बार। कुछ प्रॉपर्टीज इनके 17 एट्रीब्यूट की बात की गई है, तो कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है सभी एलिमेंट्स के, नंबर, डायमेंशन, डिस्टिंक्शन, कंजक्शन और उस पर डिस्टिंक्शन पे सभी एलिमेंट्स के अपने अपने प्रॉपर्टी भी हैं। ये थोड़ा सा यहाँ जिक्र किया, स्पेस टाइम की बात की थी, फिर ये एटम की थ्योरी की बात की थी, फिर हमने ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की स्केल की बात की थी। ये मैं छोटा सा कमेंट देना चाह रहा हूँ कि हाउ मच ओपन वी वर एंड हाउ क्लोज द वेस्ट वाज एटम एंड वेस्ट बिफोर 1900। डिबेट शुरू हो रही है डिस्क्रीट एटम वर्सेस कंटिन्यूम की अराउंड ग्रीक फिलोसफी में 400 BC के आसपास। अरिस्टोटल वाज स्ट्रॉन्गली इन फेवर ऑफ कंटिन्यूम, ही सेज एवरीथिंग कैन बी इनफिनिटली डिविजिबल, और उसके आइडियाज ने 2000 साल तक डोमिनेट किया। और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त डेमोक्रेटिस हैं और उनका स्कूल है वो लिमिट की बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल कंसिस्टेंस पे आप आके रुकोगे, और जो यूनिवर्स है वो उन्हीं से बना हुआ है, एटम्स और वॉइड से। वो आवाज बहुत देर तक दबी रह गई, इतनी दबाई गई कि मेडिवल टाइम में जो लोग इन आइडियाज की बात भी करते थे देवर प्रोसिक्यूटेड if their ideas were at variance with accepted dogma, that means of course Bible. In Paris, teaching about atom was prohibited as late as 1626 under pain of death. However, that is the time when things started changing in physics and sciences. Around 1647, people started becoming a little bit open. Cassandre wrote a book on atomism. Dalton gave the idea of a molecule made up of different elements. Brown ultimately observed pollen balloon and established the atomic idea. 1865, Law Schmidt gave the size of atom and weight of the hydrogen atom. That was a grand thing. However, unfortunately, even till 1900, there were quite large number of scientists, physicists themselves, they were opposing the concept of atomism and this idea of atom. One of the great person, Boltzmann, probably committed suicide because of this thing, because he used this idea to develop his physics, and people rejected him, and out of this disgrace, he committed suicide. So that shows the attitude of people as late as 1900 or so. तो ऐसे ये उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यानी उसकी बात की है कॉजालिटी की, इसको भी हम कर चुके हैं डिस्कस से, विशेष सूत्र फिर से आ गए हैं, लाइट की बात हो गई, ये सब हम कर चुके थे। यहाँ आके मैं रुकूंगा,
आउट ऑफ द अदर ऑर्थोडॉक्स स्कूल न्याय मीमांसा स्कूल एक्सेप्ट प्लुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर गिवन बाय विशेषी However, they differ small aspects here and there and introduce a new dimension. But heterodox school, Jaina, Hinayana, Buddhist, Charvaka, they accepted the idea of elements and atom, but they developed their own theory. So maybe next time I will talk about that and then go to Sankhya. Thank you very much. धन्यवाद सर. आपने जो हमें अनंत से शून्य के बीच में इस फिजिक्स के लॉज के द्वारा जो ठोस प्रामाणिक बातें हमें बताई हैं, उससे जो हमारा अनंत विस्तार का भय था वो कम हुआ और समझ में आया कि कहाँ खड़े होकर के हम उस अनंत का जो साक्षात स्वरूप है, सगुण रूप जिसे हम समझ सकते हैं, वो उसको कैसे देखा और कैसे समझा जाए और कैसे परिभाषाओं में बांधा जाए. और प्रश्न मेरे सामने बहुत सारे आए हैं और लेकिन थोड़ा सा उनको मैं स्वयं परिभाषित कर लूं और फिर मैं उसके बाद उसको पूछूंगा. लेकिन एक बात जो मैं जरूर चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग बीच में बात कर ही रहे थे कि जो थ्योरीज हैं जो कई जगह हमें मिलती हैं उनके पैरेललिज्म पैरेलल हमें पौराणिक स्टोरीज मिल तो सकती हैं, लेकिन उनको डीकोड करना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है. क्योंकि उस तरह की कहानी की परिकल्पना करना ही मुझे लगता है कि कई बार बड़ा मुश्किल होता है. तो अगर जिसने कल्पना की है तो निश्चित रूप से उसके पास कहीं ना कहीं कोई आइडिया, कोई थ्योरी संभवतः होगी ही होगी. तो लेकिन उसको हम फिर कभी लेंगे, देखेंगे धीरे धीरे. तब तक आप सभी के लिए ये मंच ओपन है और आप लोग अपना टिप्पणियां हमारे साथ साझा कर सकते हैं, बातचीत आरम्भ कर सकते हैं. जी रवि जी से ही हम बात आरंभ करते हैं. सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए पहले. नमस्कार रमेश जी, बहुत फैंटास्टिक, बहुत बहुत गजब का आपका अध्ययन है और हम लोग कोलैबोरेट करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन थ्रू जूम सेशंस और व्हाटएवर बिकॉज वी कैन टेक दिस फर्दर. देयर इज नो डाउट यू हैव डन लॉट ऑफ वर्क. There is a lot of work yet to be done and I have very new insights to share which will either make me accepted in your community or you will throw me out, either way. But something is definitely going to happen after 3 months or so, as soon as my paper is published, actually physically in print. There are a few anecdotes relating to what you said I want to share with you. It's fantastic. He has taken us all the way to developments in physics, especially where he has taken us to discussion of four forces of physics and his own contributions relating to electroweak interactions. Which I think electroweak and gravity are the keys to future research. And Parton distribution functions, resonances that manifest sometimes as bosons and sometimes as stable particles or Higgs particle field. These are the future directions we are all following, those who are studying physics. Let me take you to some history. I was a young man in 1966 and I was reading my third paper in American Physical Society, New York, January 1966. And the two people who came to listen to my paper, among many, two that were I came to know later, one I knew earlier was Dr. Oppenheimer himself. You all know he used to smoke a pipe, churut. The second one who didn't do any smoking but was very equally old looking and was quite serious person was Professor Gregory Bright, who finally took me for postdoctoral work at Yale.
I didn't know that he was the first director of Manhattan Project, and he had resigned because he was not a people knitting person. Later on, I trained a person like Dr. Abdul Kalam, and I came to know that his most attractive quality was knitting the people, putting them in a chain of co-workers. I am at him. Same quality Oppenheimer had. So can you imagine, after my talk, he stayed back and talked to me. He said two things. I'm sorry for loss of Homi Bhabha. He was my good friend. Second thing he said was, can you come tomorrow? That is, the conference was over then, and meet me at the institute. Do you know what the institute was? It was the same institute where Einstein worked, Institute of Advanced Studies at Princeton. So the next day, I took a bus from New York to Princeton and had lunch with him and with a Greek mathematician. And I also went and touched the chair on which he used to sit, Oppenheimer, because Einstein sat in the same chair. So our Bharatiya Sanskaras work everywhere, and he spoke three shlokas in Bhartrihari, the Shatakas, and I spoke only one because I knew only one. No, I knew a lot of Shikharni Chandas, but I spoke one or two with him. But we talked, and then he called Dr. Neugebauer. And Dr. Verma, I want you to kindly look at the work of Dr. Neugebauer from Institute at Princeton, where he discusses Bhaskar's tables. He showed us physically in 1966 Bhaskaracharya's astronomical tables on which this scholar, Dr. Neugebauer, worked. Somewhere that was working in my mind, so I named the second Indian satellite Bhaskara. The first one we had named Aryabhatta. It was named before I came to India, but Bhaskara was my child, I can literally say, because I went to Russia and UN and got it approved by various authorities and for Russians to launch our satellite. That agreement, I was instrumental. I took as my trainees Dr. Kasturi Rangan, Dr. George Joseph, and P.S. Goyal. These three became later directors in ISRO and chairman ISRO, but they were working with me. Similarly, 4 or 5 years, I trained Dr. Kalam's team. But my knowledge came from working on Apollo program. So I just wanted to tell you about the Bhaskara one point. Yes. The second point I wanted to tell you, Dr. Verma especially, that Vedas have quantum field theory concepts. I'll discuss them. Kindly be patient for 3 months. Sure. The quantum scale and Einstein general relativity, I wanted to talk two things about it. Einstein is master of one aspect, how gravity affects space-time, or how space-time affects gravity. There's no doubt he is the master, and he has taken us beyond Newton. But the microscopic aspect of gravity, or quantum effects of gravity, are not yet well understood by us. Vedas have a lot about it, but we have to work as a team for us to expand on the ideas that are there in my paper in the basic form. And there are visionaries before me who led me to my work. So it's not like I'm alone. The question now I ask is that the nature of gravity, in the same sense that we say Higgs is the reason why particles get the mass, same way we have to find some
common such statement, which is related to multiple dimensions that you mentioned, which will clarify this mystery of gravity and its interaction with other three forces and the unification. So there was one Satya Prakash you were mentioning. Is that Dr. S.P. Singh by any chance? नहीं सत्य प्रकाश सरस्वती जी हैं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर आई सी बट ही रोट ए बुक ऑन वैदिक टर्मिनोलॉजी नॉट टर्मिनोलॉजी हिज वर्क इज फाउंडर्स ऑफ साइंस इन एंशिएंट इंडिया वो 1966 में छपी है और उसके पहले 60s में उनका काम शुरू हो गया था भारत में विज्ञान की प्राचीन परंपरा एक डिस्क्रिप्टिव बुक है जिसमें टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया है वो ये मिल जाए तो हम लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे इसकी बहुत सख्त जरूरत है पर वो अब आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी यूजफुल डेफिनेशन होंगी पर डेफिनेटली ओल्ड कई कई समस्याएं आती हैं इन चीजों को स्टडी करने में कुछ चीजों के लिए हमको प्री पाणिनी ग्रामर की थोड़ी अप्रिसिएशन जरूरी होती है नहीं तो हम अटक जाते हैं वैदिक संस्कृत और कई जगह पर आप जैसे विद्वान जो समझते हैं इनमें पाणिनी ग्रामर की जरूरत होती है तो राजेंद्र प्रसाद जी जैसों को भी अपने लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा तो दोनों का सम्मिश्रण करके एक ग्रुप आशुतोष जी से प्रार्थना है कि क्रिएट करें नहीं ये तो मेरा मैंने अपने मेन पॉइंट्स तो बोल दिए हैं और अब मैं विराम दूंगा पर मैं आपको बताना चाहता था कि आपकी कुछ चीजें मैं 1966 से रिलेट कर रहा उसके पहले मैं खुद पीएचडी स्टूडेंट था बस और उस समय तक 3-4 पेपर पब्लिश किए थे और बहुत ज्यादा नहीं किए बाद में लेकिन काम बहुत किया है खास तौर पे नासा वाला आदमी को चंद्रमा पे भेजना और बुलाने वाला काम मेरा सबसे बढ़िया पसंदीदा काम था जीवन का उसके बाद अभी तक अमेरिका भेज पाया है 2 साल और लगेंगे उसे तो क्षमा करें ज्यादा बोलता हूँ पर अब आप नहीं, नहीं, आप आपने तो कई पौराणिक अवधारणाओं को सत्य से दगड़ दिया है कि लोग जब ऋषि जाते थे दूसरे के चले जाते थे आप सब जानते हो ना वो श्लोक दिव्य सूर्य सहस्रस्य उपस्थिता यदि सदृशी साषस्तस्य महात्मन ये ओपनहाइमर के लिए जो उन्होंने कोट किया है और गीता का श्लोक है जी ये तो अद्भुत है वैसे मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा बहुत अद्भुत रही है और आप जैसे विद्वानों से मैं तो अपने को धन्य मानता हूँ मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे विद्वानों से भी मैं कभी संपर्क में आऊंगा और वो मेरे निवेदन को स्वीकार करके मुझे इस तरह से ज्ञान से अप्लावित करेंगे ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं सचमुच बहुत आनंद में हूँ और आह्लादित हूँ हालांकि प्रश्न और बहुत सारे बढ़ गए हैं लेकिन उन प्रश्नों को थोड़ा सा रिफाइन जब तक मैं नहीं कर लेता तब तक तो शायद वो यहाँ प्रस्तुत करने में मुझे संकोच रहता है लेकिन तब तक डॉक्टर पवन जी पवन सेठी जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं नमस्कार अपने को म्यूट कर लीजिए जी नमस्कार सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर रवि शर्मा जी और रमेश जी को कि उन्होंने बहुत अच्छी आज चर्चा की है और रमेश जी ने तो बहुत ही विस्तृत ज्ञान आज हमारे साथ शेयर किया है हालांकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर के ऊपर से गुजर गई हैं लेकिन ये है कि अब चूहा हूँ तो धीरे धीरे कुतरेंगे उसको इट्स सच अ बिग पीस ऑफ केक एंड बाइट साइज इज वेरी स्मॉल ऑफ द ब्रेन एक चीज जो मेरे दिमाग में जब मैं ये पूरी चर्चा सुन रहा था तो मुझे जो चीज दिमाग में बार बार आई वो बहुत पहले से ही आ रही थी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस तो आज दोबारा वो जो है दिमाग में आई कि साइंस जनरली जो है फंक्शनल डायनामिकल और जो है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को तो डिस्कस कर लेता है और ये भी बोला जाता है कि ये सब जो है
जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने आप में जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, लेकिन मैटर मोस्टली जितना भी है वो जो है अनकॉन्शियस महसूस होता है। और हमारा माइंड किस तरीके से जो वो उसकी अनकॉन्शियसनेस में भी अपनी कुछ कॉन्शियसनेस देख लेता है, तो ये आपस की सिंक्रोनिसिटी जो है वो कैसे हो जाती है, क्या साइंस के पास इसका कोई आंसर है? क्या मैं एक्सप्लेन कर पाया सर क्वेश्चन अपना? नहीं, मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, यदि आप और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो करिए। मेरा कहने का मतलब है कि विज्ञान जब क्वांटम पे आता है या क्वार्क थ्योरी तक जाता है तो बोलते हैं कि हर एवरीथिंग इज मेड ऑफ दैट, तो जो मैटर है उसके अंदर हम लोगों को उसकी फंक्शनल डायनामिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में तो बता देता है। और अब ये है कि उस वो लेकिन फिर भी अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है, बट माइंड इज ऑल्सो मेड ऑफ द सेम थिंग्स। हाउ माइंड बिकम्स कॉन्शियस टू सी दोज थिंग्स, सो वो सिंक्रोनिसिटी होती कैसे है? बिल्कुल नहीं, शुड आई आंसर? यस सर, यस सर। तो ये बड़ा डिफिकल्ट एक्चुअली प्रश्न है, और इस पर मैं इतने कहूंगा कि यदि मैं फिजिक्स के डोमेन में रह करके रहूं तो मेरे पास स्पष्ट आंसर नहीं है, लेकिन इशारे बहुत हैं। इशारे इतने हैं कि जो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे ये इशू पर लेके आए। प्रॉब्लम ये है कि जो पूरी की पूरी जो साइंस अब बननी शुरू हुई फॉर्मली ऑब्जेक्टिव साइंस के रूप में, कोशिश की गई कि जो ऑब्जर्वर है उसे बिल्कुल ही बाहर आम रखा जाए और ऑब्जर्वर को स्टडी किया जाए। उसकी पीक हम 1900 तक देखते हैं, फिर हमें क्वांटम में आना पड़ा। क्वांटम ने वो सीमाएं तोड़ी हैं, पहली बात तो ये। तो जैसे पिछली बार शायद आपने किया था प्रश्न कि जो हम जो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर देख रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स का, कुछ लोग सोचना चाहते हैं कि शायद वो कॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन तो नहीं है, मगर उसके ऊपर कोई फॉर्मल मैथमेटिक्स हमारे पास नहीं है, एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि यानी प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर खुद अपने आप में इंडिकेशन है, नो डाउट। वो वाली प्रोबेबिलिटीज जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो वो काफी हद तक सर्टेनिटी हो जाती है। लेकिन एक दूसरा इशारा भी है जो हमें मिल रहा है, उसको हम टेक्निकली एंथ्रोपिक प्रिंसिपल से जोड़ते हैं, उसका नाम ही एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी डिटेल। क्योंकि एक क्वेश्चन है व्हाट एंड हाउ का, जैसे अभी आपने बोला है स्ट्रक्चरल और इसका डायनेमिकल बिहेवियर हम समझते हैं क्या है और कैसे है, वो बिल्कुल समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। और क्वांटम फील्ड थ्योरी जो उसकी पीक है और वो सक्सेसफुल है, आज हम उसको स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं, लेकिन वाई का जवाब डायरेक्टली फिजिक्स देना नहीं चाहते, उसको अलग रखा हुआ है। फिर भी एंथ्रोपिक प्रिंसिपल उस दिशा में जाता है, मतलब क्वेश्चन यहाँ ऐसे होता है कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है वगैरह वगैरह, इनका जो मास है, इनका जो चार्ज है, या जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, कि इनकी वैल्यू जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उतनी क्यों है? तो इसके ऊपर वॉल्यूमिनस वर्क ऑलरेडी है अवेलेबल, लोगों ने ये कंक्लूड किया है कि यदि आप इनकी वैल्यू जरा सी भी चेंज करते हो तो लाइफ नहीं होगी, मतलब यूनिवर्स होगा, सब कुछ होगा, लाइफ नहीं होगी। तो ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ को प्रकट करने के लिए पैरामीटर जो है ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स के, इनको फिट इन किया गया या इन्होंने कुछ कंस्पायर किया ताकि लाइफ प्रकट हो, तो वो हमें फिर दोबारा से लाइफ को यानी कॉन्शियसनेस को पदार्थ के साथ जोड़ती है। नो डाउट जब हम संख्य और वेदांत की बात करेंगे वहां तो क्वेश्चन ही यही लिया गया है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो यू कह सकते हैं डॉक्टर साहब, यूं कह सकते हैं कि देखिए जब एनलाइटनमेंट होता है तब तो इंसान को हर चीज आर पार दिखने लग जाती है, एवरीथिंग बिकम्स ट्रांसपेरेंट। तो ये कह सकते हैं कि वेयर द साइंस एंड्स द स्पिरिचुअलिज्म बिगिंस, कहते हैं ना कि इसके आगे की राम जाने इसके आगे के तो ये मान सकते हैं कि वेयर द साइंस द लाइट ऑफ साइंस एंड्स फ्रॉम देयर द लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी बिगिंस, या इशारा कर रही है साइंस जहाँ खत्म हो रही है या जहाँ यहाँ आज तक पहुंचे है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, जहाँ तक आज तक पहुंचे वहाँ वो इशारे कर रही है कि भाई इसके आगे बहुत सारा डोमेन है जो कि सब्जेक्टिव है, और मैं यदि मुझे अलाउ किया जाए तो स्पिरिचुअलिस्टिक है यानी कॉन्शियसनेस है।
थैंक यू वेरी मच। इन इश्यूज को भी अभी टेक अप करेंगे समय के साथ। जी डॉक्टर रवि जी, मेरा ख्याल है कि जी उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण जी, एक बार रवि जी अपनी बात कह लें। अगर अगर डॉक्टर डीएस कोठारी अगर होते जी, तो वो भावना और माया की सृष्टि में बिलीव करते थे। वो जैन व्यू और वैदिक व्यू को इंटीग्रेट करने वाले साइंटिस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। दूसरी बात, मैं देख रहा हूँ कि राहुल जी खटे अपने साथ हैं और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोशिश की। वो तीन वीडियोस के बारे में मैंने नेगेटिव कमेंट किया, उसकी इसलिए माफी चाहता हूँ कि उसकी न्यूटन लॉ से रेलेवेंस थोड़ी ही थी, लेकिन जो बाकी का लेक्चर आज अभय वर्मा साहब से हम लोगों ने सुना, खास तौर पर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से संबंधित, उसमें वो तीनों वीडियो थोड़े बहुत रेलेवेंट साबित हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो लेक्चरर है ना यंग मैन, उसको खुद को ग्रेविटी की इतनी डीप नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि अगर ये 5 मिनट के लिए रमेश जी के पास वो अगर आके सुन लेते तो उनको मालूम पड़ जाता। तो राहुल जी बुरा नहीं माने इसलिए आपसे क्षमा मांगी, और वैज्ञानिक हूँ इसलिए धन्यवाद आपका, स्पष्ट बोलने का स्वभाव है इसलिए बार बार वो तो मैंने इसलिए डाला था ना, इसलिए बार बार माफी मांगता हूँ। उसमें जी जी उसमें जो है ना, उन्होंने एक्चुअली वो वीडियो में सर्च कर रहा था, वो टॉपिक मैंने डाला था क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो प्राचीन का जो वैशेषिक में जो सूत्र दिए हैं उसका आधुनिक संदर्भ में कोई एक्सप्लेन करके बताने वाला कुछ है क्या। तो जब मैंने वो डाला तो वो आया, मैंने जो सर्च किया वही आया, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरा यदि आशुतोष जी मुझे अनुमति दे थोड़ा सा 2 मिनट में बताना चाहूंगा इसके बारे में। वो डोंगरे जी वाला बहुत अच्छा भेजा आपने, वो डॉक्टर साहब ने वर्मा साहब ने भी अप्रिशिएट किया, उनको नॉलेज थी उसके बारे में, खासतौर पर प्रशस्त पाद के बारे में। जी जी प्रणाम, धन्यवाद। उसके बारे में मैं भी पिछले 10-11 वर्षों से पढ़ रहा हूँ नारायण गोपाल डोंगरे जी का, जो पीएचडी का थीसिस ही है उनका, और उन्होंने उसका सब्जेक्टिव वही लिखा है कि वैशेषिक सिद्धांतानाम गणितीय पद्धतियां विमर्श, मतलब जो सिद्धांत हमारे दर्शन में शास्त्रों में और ग्रंथों में है उसका गणितीय रूप में कैसे पाश्चात्यों ने उसका रूपांतरण किया, फिर उसको गणित के माध्यम से कैसे समझने की कोशिश की, इसके बारे में हालांकि काफी डिस्कशन हो चुका है। बस यही बात बताना चाहता हूँ कि विज्ञान को जो है आधुनिक संदर्भ में जो है गणित के माध्यम से समझने की कोशिश की जाती है, जबकि प्राचीन इसमें उसको गणित के साथ में भाषा के स्तर पर भी समझा जाता है। थोड़ा सा अंतर जो है यहाँ पे हमें दिखाई देता है, काफी चीजें क्लियर हो गई है, अभी ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो शेयर किया है मैंने वो पूरा पीएचडी का थीसिस है गोपाल नारायण गोपाल, उसे सभी पढ़े और निश्चित ही वो उपयोगी होगा। धन्यवाद। आशुतोष जी एक छोटा सा कमेंट दूंगा कि राहुल जी ने जो बात किया उसके सपोर्ट में मैं इतना जरूर ऐड करूंगा, मुझे नहीं पता वो कितना रिलायबल काम है, बट प्रोफेसर सी के राजू ने तो बहुत एम्फेसिसली इस बात को कहा है कि भाई जो ये केरला स्कूल में जब डेवलपमेंट्स गई हैं तो ये न्यूटन्स लॉज भी वहां से, यानी जो हमारे लॉज थे वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर के गए हैं थ्रू जेसाइट जो मिशनरीज थे उनके थ्रू, एक तो वो बात है। इधर भास्कर कांबले ने भी जो पुस्तक लिखी है हिंदू मैथमेटिक्स पे, उस पे इस किस्म के क्लेम किए हैं, सिर्फ ये है कि हमें जरा उन क्लेम्स को थोड़ा ध्यान से यानी देखना होगा अपने मन राइट को। मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी वेट कर रहे हैं, पांडे जी। जी 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 लक्ष्मण जी सर प्लीज अपने को अनम्यूट कर लें सर। बहुत अच्छा डॉक्टर रमेश वर्मा जी का लेक्चर सुन करके प्राचीन बातें मुझे याद आ गई, लगभग 40-50 ईयर्स हो गया हम लोग साथ में काम करते थे, तो हम इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स में थे और रमेश जी हाई एनर्जी फिजिक्स, तो कई बेसिक चीजें हम उससे पूछते थे,
तो उसमें एक जो फोर्स क्या चीज है ये मैं उनसे पूछता था, आदमी सवाल पूछने वाला था लेकिन उन्होंने अपने लेक्चर में कवर कर दिया कि फोर्स है क्या। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने ये बताया नाद बिंदु वाला, तो हम लोग एक इस पर पेपर लिखे हैं नाद बिंदु का लेकर के, उसी कॉन्सेप्ट को, और प्रोफेसर रमेश वर्मा का पेपर था उसी को यूज करते हुए, तो उसमें आती है एक बात कि डिकोड करने के लिए, जैसे भी सर ने रविशंकर का डिकोड कैसे करेंगे, तो डिकोड में देखा हमने कि संस्कृत के जो शब्द प्रयोग होते हैं इन शब्दों में उसके कई अर्थ होते हैं, और उनमें से आम तौर पर लक्षणा पद्धति का प्रयोग किया गया है, जितने पौराणिक या जितने हैं कि किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दे करके उसको समझाते हैं। तो उसमें जैसे कि आकाश है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया यही पंच महाभूतों से, आकाश वायु ये सब, तो आकाश क्या है इसको कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अनुसार, वायु क्या है, अग्नि क्या है, तो इसमें देखा हमने डिकोड करते करते वायु का मतलब दिया है मोशन, जहाँ आकाश है वहाँ शब्द उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फिर जहाँ पर आकाश है शब्द और आकाश होते ही वहाँ वायु आएगी, वायु का स्पर्श, तो इस तरह ले करके एक इंटरप्रेट करने की कोशिश किया है, और उसमें एक हमने देखा कि स्पंद आता है, अपने स्पंद कारिका एक किताब मिली हमको, उसमें दिया है स्पंद, बिंदु जो है स्पंद रूप है, तो हमने थोड़ा कोशिश की कि उस स्पंद को और ये जो अपना पार्टिकल वेव डिवाल्टी की वेव है उससे कुछ रिलेट करके समझने का प्रयास किया है। वो पेपर 5 साल पहले के छापा था, लेकिन अभी भी कई चीजें हैं, तो हम लोग रमेश वर्मा जी से बीच में कभी टाइम मिलता है तो बात करते, भाई आप थोड़ा हम लोग को जो है इनलाइटन कीजिए कि क्या है ये, तो इस तरह की चीज हम लोग यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेक्चर बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल रहा, कम से कम हमारे लिए पर्सनली तो बहुत ही इनलाइटनिंग रहा, और हमको उम्मीद है कि ये जो है आगे भी जब ऐसा अवसर मिलेगा तो हमको सुनने का अवसर मिलेगा, इंटरेक्ट करने का अवसर मिलेगा। अभी मैं श्रीयंत्र की जो डिजाइन है अभी भी वो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, श्रीयंत्र श्रीयंत्र वाला, तो एक स्वामी जी थे जबलपुर में, भी उनका देहांत हो गया, रमेश जी उनको जानते अच्छी तरह से, स्वामी तारकेश्वरानंद तीर्थ, वो मेडिकल साइंस में के डीन थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पर काफी काम किया था। तो श्री यंत्र की डिजाइन में वो 3 लाइनें जो जगह मिलती हैं उसका कोई सलूशन अभी एनालिटिकल अभी तक प्राप्त नहीं है, न्यूमेरिकल भी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसमें फिर नॉन लीनियर इक्वेशन आते हैं, वो बहुत दिक्कत है, उसको हमें कोशिश कर रहे करने का, और फिर सारी समस्या आती है डिकोड करने की, संस्कृत ज्ञान हम लोग का सीमित होने के कारण से, तो हम तो इसमें एक आइडिया है कि कोई संस्कृत व्याकरण का कोई स्कॉलर इसमें शामिल हो सकेगा रूप में, जो बिल्कुल सिंपल चीजों को उसको देखा हमने कि अगर हम संस्कृत के विद्वान से बात करते हैं तो वो उसमें अलग तरह का अर्थ निकालते हैं, और हम जब उसको अपने बिल्कुल बेसिक संस्कृत से देखते हैं तो कुछ और अर्थ निकलता है, तो उसमें अगर कोई व्याकरण का भी यहाँ एक आदमी शामिल हो सके तो हम लोग का बड़ा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा विचार। इसीलिए निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा, और ये जो श्री यंत्र वाली बात है ये अभी ड्यू है, इसके ऊपर जो इसके ट्रायंगल्स हैं और बिंदु और नाद का ही ये सारा विस्तार है, इसके चर्चा हम करेंगे कि ये 54 ट्रायंगल्स जो है वो किस तरह से और किन अर्थों को बताते हैं, तो इनका जो विषय है ये निश्चित रूप से लेंगे, और मैं आमंत्रित करूंगा किसी न किसी विद्वान को इस तरह से जो व्याकरण के साथ में हो, और मैं चाहूंगा कि अगर आप इस यंत्र के ऊपर कुछ बात करना चाहें तो निश्चित रूप से आप अपने पक्ष से करें, और फिर उसके मैं यही एक्चुअली कहने वाला था क्योंकि मेरा इनसे परिचय 40 साल से है, और बीच में जब ये जबलपुर में प्रोफेसर एंड हेड डीन्स वगैरह पर रहे हैं तो इन्होंने मुझे कई बार इनवाइट किया तो बोलने का मौका मिला है, और स्वामी जी से भी परिचय हुआ है, तो फॉर्मली ये दीक्षा के माध्यम से भी उसी मार्ग पर पूरी तरह जुड़े भी हैं, दीक्षित भी हैं और आगे भी चल रहे हैं, तो इनसे एक्सपर्ट शायद हमें ना मिले श्री अंतर, तो लक्ष्मण जी किसी दिन टाइम निकाल के हमारे ग्रुप में, एक तो आशुतोष जी से भी मैं ये प्रार्थना करूंगा इनको हम अपने ग्रुप में डाल ही लेते हैं नंबर इनका। जी 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 मैं सर आपका नंबर मैं ले लूंगा,
रमेश जी से, और निश्चित रूप से ये मेरे बहुत रुचि का विषय है, और इसका जो कामकला विलास और ये जो मंत्र है इसके साथ इसके संबंधों के ऊपर परिचर्चा बहुत आवश्यक है। मैं इस विषय को लेने में बड़ा उत्सुक हूँ। मैं निश्चित रूप से आपसे निवेदन करूंगा, रमेश जी से आपसे आपका नंबर लेकर के आपसे संपर्क करता हूँ। जी रवि जी, और फिर उसके बाद किसी और की कोई टिप्पणी है तो वो मुझे जल्दी से बहुत संक्षेप में कहेंगे, ताकि फिर हम आज की बात को पूर्ण यहीं करें। सर, श्री यंत्र के बारे में एक शब्द बोलूंगा। मैंने आपसे कहा था जानकी राम जी शास्त्री, वो श्रृंगेरी मठ के पंडित हैं अमेरिका में रहते हुए भी, और श्रृंगेरी मठ से एजुकेशन नहीं लेते हुए भी अभिनव तीर्थ जी ने उनको मठ का पंडित बना के अमेरिका भेजा था, और वो यहाँ मौजूद हैं मिशिगन में, और वो कहते हैं कि मैं श्री यंत्र के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। केवल यही है कि वो कथावाचक है, मतलब वो आपको सारी बात बता देंगे, और उसको ड्रॉ करना और उसके बारे में भी कुछ जिज्ञासा होगी बता देंगे, पर किस हद तक वो आपके पांडे साहब के सवालों का जवाब दे पाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे तो वो गुरु हैं। मेरे को उन्होंने 8-9 उपनिषद पढ़ाए हैं, और सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि आदि सब उनसे पढ़ा हूँ। 25 साल से उनकी कभी कभी क्लास लेता हूँ, मतलब अटेंड करता हूँ कभी कभी। अब ये है ना कि डॉक्टर साहब, मेरी सीमा तो बहुत सीमित है या तो उनसे संपर्क हो, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर लक्ष्मण जी से अभी चर्चा हुई है, तो कम से कम वैज्ञानिक पक्ष से भी बात आ जाए और उधर शास्त्रीय परंपरा से भी आ जाए, और तो उनसे अगर कुछ संपर्क हो सकता है तो निश्चित रूप से उनको भी हम पांडे साहब बोलेंगे तो मैं उनसे प्रयत्न करूंगा कि अमेरिका के टाइम डिफरेंस को देखते हुए, क्योंकि वो मेरे से भी 3 घंटे पीछे हैं, अभी मेरे यहाँ तो 12:15 हो रही है, 12 बज रही है, तो उनके यहाँ 3 बजे की सुबह है, इसलिए आपको समय तो बदलना पड़ेगा उनके लिए शाम को इंडिया में शाम को होगा ना, इंडिया की शाम को अगर होगा अर्ली इवनिंग तो उनके लिए सुबह हो जाएगी। जी ठीक है, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो मंदिर में एक्टिव मंदिर के चीफ प्रीस्ट है, इसलिए उनका समय भी 7 दिन व्यस्त रहता है। जी निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको जरूर उतने ही आदर और मान के साथ ले लेंगे, और मैं नंबर ले लूंगा। किसी और की कोई टिप्पणी है तो हम नहीं है तो आज का इस कार्यक्रम को पूर्ण यहीं पे करें, और चलिए ठीक है। तो आज की इस परिचर्चा के लिए, ये भाग 3 था, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब आपको। इतना स्पष्ट रूप से आपने प्रतिपादन किए हैं विषयों का, अनेक विषयों का, और नहीं तो मैं तो संभव ही नहीं था मेरे लिए कि भी मैं इतना कुछ जान पाता, लेकिन आप जैसे विद्वानों की ये सहृदयता है कि आपने निसंकोच भाव से जो है वो मुझे ज्ञान प्रदान किया और मेरे निवेदन को स्वीकार किया, मैं तो बहुत आह्लादित हूँ सचमुच। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आप इसी तरह से हम अगला भी एक विषय जरूर लेंगे समय आने पे, क्योंकि बीच में कुछ और भी विषय हैं, और तो उसके बाद चौथा भाग भी इसका लेंगे। और डॉक्टर रवि जी का मैं बहुत आभारी हूँ, वो मेरे पे निरंतर कृपा बनाए हुए हैं, और मेरी बात को वो सुनते भी हैं, और फिर उसका बड़ा स्पष्ट सा सरल शब्दों में वो मुझे उत्तर भी दे देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो ज्ञान है वो विनम्रता कैसे लाता है, नहीं तो कई बार तो मुझे यही लगता था कि ज्ञान जो है ना वो बिल्कुल अलग कर देता है ज्ञान का ये दोष मुझे बड़ा खटकता था, लेकिन आप जैसे विद्वानों को देख करके निश्चित रूप से ज्ञान के प्रति आस्था भी होती है, और अब पवन जी से भी मुलाकात हो गई, रमेश जी और डॉक्टर लक्ष्मण जी से भी, कि देखिए मुझे लगता है कि मेरा कुछ भाग्य खुल रहा है कि जहाँ श्री यंत्र की भी बात हो जाए और वेदों की भी बात हो जाए और उसका दृष्टिकोण जो है वो आधुनिक विज्ञान से हो जाए, तो ये तो मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं विनम्र महसूस करता हूँ आप सबके प्रति। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी मिलेंगे, और बहुत सारे और विषय हैं जिनको मैं अभी टेकअप करूँगा,
और इसी तरह मेरे साथ सहयोग थोड़ा सा बनाए रखें, और ताकि मुझे भी मैं अपनी दिशा पे रहूं और जो परंपरा है उसका निर्वाह मैं कर सकूं। ये ऋषि ऋण है। और जाते जाते बल्कि मैं आपको चार शब्द बताना चाहता हूं, वो पहले मैंने सोचे थे लेकिन फिर वो रह गए, तो चलते चलते बात को समाप्त करते हुए कि ये जो वेबिनार मैं करता हूँ उसके चार शब्दों हैं जिनसे इसको मैं प्रेरित करता हूँ। पहला तो वेद शब्द जो है उससे मैं मेरे ये सेमिनार जो है वेबिनार्स ये चलते हैं, क्योंकि वेद का मतलब है ड्यूटी टू नो, इसलिए मैं इसको पकड़ता हूँ, वेद का मतलब जानना है। दूसरा शब्द जो है यज्ञ है, जिसका मतलब है पार्टिसिपेशन, आई एम ड्यूटी बाउंड टू पार्टिसिपेट इन दिस ज्ञान यज्ञ। और दूसरा उस यज्ञ का ये भी अर्थ है कि आई हैव राइट टू अर्न द नॉलेज एंड ड्यूटी बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज ऑल्सो, सो दैट इज यज्ञ फॉर मी। और तीसरा जो है वो है पुराण शब्द, उसका मतलब है कि ड्यूटी बाउंड टू रिवाइज द नॉलेज, पुराण मेरे लिए ये है, उसकी चेतना उसकी भावना आप कह लीजिए। और चौथा शब्द जो है वो है योग, जिससे मैं प्रेरित होता हूँ, और वो है कि एक्सपीरियंस करना, नॉलेज का एक्सपीरियंस करने के लिए, विच हैज नॉट बीन अचीव्ड, और जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सका हूँ उसको प्राप्त करने का एक प्रयास। तो मेरे लिए ये सारे के सारे जो वेबिनार्स हैं ये कोई औपचारिकताएं नहीं है, ये इन चार शब्दों से प्रेरित हैं और यही इसकी मूल भावना है। और ठीक है, बाकी कमी पेशी तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के प्रति विनत हूँ, आप लोगों के ज्ञान को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से फ्राइडे सैटरडे को एक और विषय हम लेंगे, तो फिर उसके लिए मैं आपको सूचित करूंगा तुम्हें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपसे सर्टिफिकेट के लिए कोई पूछ रहे हैं सर जी? नहीं, आज कोई यूनिवर्सिटी के सज्जन या कॉलेज से वो नहीं जुड़ पाए, तो आज के लिए नहीं है। जब कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा साथ में जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।